आई गाईज़ वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू अन अकेडमी एंड माई नेम इज़ सीप पाहुजा एंड आई एम अजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्षमा चाहेंगे लैपटॉप की तरफ से क्योंकि आपको पता है ये मतलब रिकॉर्ड है रिकॉर्ड कायम है कि जब भी कुछ नया है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है बट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड वोमन फाइनली आई फिगर आउट की क्या मिस्टेक आ रही थी एंड वी आर नाउ लाइव एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम करने क्या वाले हैं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं अगर आपके सौ नंबर आ करीबन पांच छह साल मैंने ऑफलाइन कोचिंग में ऑफ द लीडिंग ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड उसके बाद बेटा बहुत समय से आई गेस अराउंड थ्री पॉइंट फाइव ईयर से जब से कोविड शुरू हुआ है तब से बेटा मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ इसी चैनल पर इसी जगह पर बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। मैंने आपको पढ़ाया पूरे साल है हमने कोई मंथ ऐसा नहीं गया जिसमें हमने तैयारी ना की हो लेकिन आखिरी के जो साठ दिन होते हैं ना तीस दिन होते हैं ये जो आखिरी बॉल कई बारी जैसे आप हम अभी वर्ल्ड कप देख के आए हैं वर्ल्ड कप में आप जानते हैं लास्ट ओवर की अहमियत कितनी ज्यादा होती है तो ये वही उस वर्ल्ड कप का लास्ट ओवर चल रहा है एंड इस लास्ट ओवर में अपन लोगों ने इंश्योर करना है कि हम हर एक बॉल को पूरी टेक्निक के साथ बैटिंग करते हुए छक्के छक्के चौके चौके अब मारने में सबसे पहले 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 आदमी का होता है कि यार मैं पहले पहले बड़े बड़े रन बना लू बाद में अगर कम रन बने होंगे तो मेरे से मैनेज हो जाएंगे मैंने वही क्रिकेट की टेक्निक यहाँ पर फॉलो की है कि पहले पहले हम लोग बड़े रन मारेंगे बड़े मतलब हाई वेटेज टॉपिक हम पहले करने वाले हैं उसके बाद बेटा उसके बाद हम लोग बाकी के चैप्टर्स करेंगे क्या हमने आज तक कोई चैप्टर छोड़ा है नहीं क्या हमने आज तक किसी भी में को है नहीं ना हमने आज तक इन चीजों को छोड़ा है ना ही हम फ्यूचर में कभी इन चीजों को छोड़ने वाले हैं क्लास की खासियत ये है कि आप इस क्लास में आए हैं तो अगले दो घंटे में आप सारी चीजें सीख कर जाने वाले हैं अगले दो घंटे में बेटा जी आप इंश्योर करने वाले करने वाले हैं कि ये जो छह से सात क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे ये आपके हंड्रेड परसेंट पक्के हैं लेकिन आपसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए मैं लंबे प्रॉमिस नहीं बिलीव करती हूँ कि यार साठ दिन का टाइम डॉल बना लेते हैं साठ दिन का मैं तुम्हें स्केड्यूल दे देती हूँ स्केड्यूल वेड्यूल तुम्हें पता है मैम ने रोज आना है मैम ने रोज प्रैक्टिस करानी है लेकिन मैंने सिर्फ तुमसे कितने दिन मांगे थे दो दिन मांगे थे बस आज का और कल का दिन 360 में से 360 क्या मुश्किल है बताओ क्या मुश्किल है आज मैंने आपको जो मेरे से पढ़ी हुई बच्ची पिछले साल एम्स नागपुर में गई है 360 out आउट ऑफ 677 out of 720 आउट ऑफ मार्क्स उसके टोटल आए हैं आज मैंने आपको उसके साथ एक मोटिवेशन के तौर पे एक इंस्पिरेशन के तौर पे उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था दिस प्रूव्स ट जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो 360 के लिए ही पढ़ाया जाएगा उससे कम ना मैं ना ही मैं मैं सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड हूं ही तुम्हें होने होने दूंगी तो पूरा ट्रस्ट रखिए रखिए भरोसा सुपर एफिशिएंट क्लास वाली है अगर आप मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्लास को लाइक like जरूर कर देना होता क्या है कि इससे क्लास आपके और दोस्तों तक भी पहुंच जाती है तो एक्साइटेड फॉर दिस यस मेरे बच्चों एक्साइटेड हाँ एक सरप्राइज मुझे और देना था मैंने अभी टेलीग्राम पे अनाउंस किया था द सरप्राइज इज

क्लास के सारी पीडीएफ आपको कहा मिलेगी सुपर अमेजिंग बोलती नोट सुपर नोट आज ज्वाइन कर लोगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे तो आज की क्लास के बाद हम लोग मिलने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस क्लास के लिए भी ठीक है प्रैक्टिस क्लास होगी शाम को साढ़े सात बजे साढ़े सात से पहले पहले क्या साढ़े छह तक हम ये पोर्शन पूरा कर चुके होंगे एंड साढ़े सात बजे हम लोग मिलने वाले हैं

कल क्या अनाउंस किया था 19 से पहले पहले बारहवीं कक्षा हो जाएगी तभी आपको ट्वेल्थ का पोर्शन कराया ये ये क्या क्लास का 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 है 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 या या ऐसी ऐसी बातें यार मत करो प्लीज बी साठ दिन से पहले ना ये जचता नहीं है फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाओगे मैम क्या नीट क्रैक हो सकता है दो महीने में हो सकता है चार दिन में हो सकता है एक दिन में हो सकता है दो सेकंड में हो सकता है देखिए ऐसी बातें मत करिए मिक्की जी मिक्की जी थोड़ा सा वो हो जाइए राइट ओके चलिए तो आर यू एक्साइटेड एक बारी चैट सेक्शन में फटाफट से आग लग जाए आग लगानी बहुत जरूरी है कहां घर में आग नहीं लगानी यार आग लगानी आपके पेट में आपकी बली में किसकी आग किसकी भूख भूख होनी चाहिए सिलेक्शन की एक मैं तुम्हें बताऊं अगर बेटा आई ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा जी मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ इमेजिनेशन कैसे आपने बेटा जी अगर मैं आपको बोलू

उनके जल जीरे वाले पानी के साथ आपके सामने गोलगप्पे आने वाले हैं बहुत ही बढ़िया क्या लगता है कितने लोगों के मुंह में पानी आया है? कितने लोगों के मुंह में पानी आया बता दो बता दो गोलगप्पे तो सबको पसंद है कुछ बच्चे उसको पानीपुरी बोलते होंगे मैं तो पानीपुरी की बात कर रही थी यानी कि जब हम उसको आंखें बंद करके इमेजिन करके फीलिंग ले सकते हैं तो आप भी बेटा फिफ्थ में की जीतने की फीलिंग लीजिए सोचेंगे अच्छा तो होगा अच्छा सोचेंगे बुरा तो यार होगा ही बुरा कम से कम जो हमारे हाथ में है इमेजिनेशन सोचना प्रेपरेशन वो तो हम कर सकते हैं ना बाकी जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा सुपर डुपर बेस्ट होगा यस yes, मेरे बच्चों तो गोलगप्पे की याद में शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ठीक है जी अब बेटा जी अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं तो ये अपना ट्रेंड एनालिसिस है पिछले सालों में अगर हम देखेंगे तो छह से सात क्वेश्चन छह से सात क्वेश्चन एवरेज इसका पांच है लेकिन सिंस इस पर ही अब अपने पास चैप्टर कम हो गए हैं तो मुझे लगता है सिक्स टू सेवन क्वेश्चंस बेटा जी कहाँ से बन के आ सकते हैं इस चैप्टर में से पांच तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे है। ये वाला आपका सबसे बड़ा है। Then, देख कर जाएंगे ताकि हम साढ़े सात बजे वाला जो टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग तरीके से कर पाए यस yes, मेरे बच्चों शुरू करें क्या आप लोग रेडी है धासू नोट्स के लिए बता दो फटाफट से क्या फटाफट से सब बच्चे धासू नोट्स का इंट्रोडक्शन सुपर नोट्स क्या नाम दिया मैम ने उसको सुपर सुपर नोट्स नोट्स वो नोट्स ऐसे हैं जो चीज सारी एनसीईआरटी कवर करते हैं दूसरी चीज बहुत ब्यूटीफुल है तीसरी चीज पढ़ के मजा आ जाता है चौथी चीज मैम ने खुद बनाए हैं ताकि आपकी तैयारी कम समय में बहुत एफिशिएंट हो जाए तो ड्रम रोल्स आ गए धासू सुपर नोट्स के लिए ड्रम रोल्स एंड सेशन लाइक नहीं हुआ मैं देख रही हूँ जितने बच्चे प्रेजेंट हैं मुझे उतने लाइक्स इस सेशन पे चाहिए इमीडिएटली जितने बच्चे प्रेजेंट हैं कम ऑन गाइस फास्टली उतने फटाफट से लाइक कर दो फॉर द धासू सुपर नोट्स हां जी फास्टली लाइक कर दो सेशन ये सारे नोट्स आपको क्लास के बाद मिलेंगे टेलीग्राम पे मिलेंगे मैं पहले क्यों नहीं दे रही हूं बहुत बच्चे बोलते हैं पहले दे दो पहले दे दो पहले इसीलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मैं उनपे साथ साथ लिखूंगी आपको समझाने के लिए तो वो जो मैं एनोटेशन लिखूंगी वो आपकी मिस हो जाएंगी अगर मैं आपको पहले दे दूंगी देखो मैंने अपने लिए तो बनाई नहीं है मैंने तो नीट का पेपर नहीं देना ना मुझे डॉक्टर बनना डॉक्टर मुझे तुम्हें बनवाना है तो तुम्हारे लिए बनाए हैं तुम्हें को दूंगी लेकिन एनोटेट करके दूंगी ठीक है जी एनोटेट करके दूंगी ड्रम रोल्स भी आ गया अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं था इसकी भी इमोजी आती है चलो इसकी भी इमोजी आती है यार मैं तो पता ही नहीं था चलो मेरे बच्चों, so धासू इसके इसके साथ-साथ मैं मैं कुछ कुछ चीजें लिखूंगी भी भी ऊपर, आपके लिए लेकर आई जो हमें फ्रॉम टी इन चैप्टर्स में करना ही होता है तो चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चों चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या नाम है चैप्टर का चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन

दो चीजों के साथ, बेटा, मेरी जेनेटिक्स चलती है. आपके पास अगर, अगर मेरे पुराने नोट्स हैं तो आपको तो कुछ लिखना नहीं है सिर्फ स्क्रिबल करना है हाथ जोड़ के नहीं बैठना स्क्रिबल करना है स्क्रिबल यानी कि छोटा छोटा अपना एक पेज पे वन पेज कुछ कुछ लिखना है ताकि आप अटेंटिव रहें क्लास में ठीक है जी अगर आपके पास मेरे डिटेल नोट्स नहीं है

थोड़ा पैदा हो जाएगा का जो बेबी होगा हो 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 का हो तो कैट जैसा होगा ऐसा तो नहीं है बेटा कैट रिप्रोडक्शन करके डॉग बना देगी नो यानी कि लाइक बिगेट्स लाइक एक जैसे ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरीके के ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं ह्यूमन बीइंग अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो ह्यूमन बीइंग ही जन देगा क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसको अपनी पेरेंटल जनरेशन से मम्मी से पापा से क्या मिलते हैं कैरेक्टर्स मिलते हैं क्या मिलते हैं पेरेंटल जनरेशन से कैरेक्टर्स मिलते हैं ठीक है जी तो वो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी तो मैम इनहेरिटेंस क्या है इनहेरिटेंस है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन जिस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसमिशन होता है उस प्रोसेस को बेटा जी हम क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं समझ है, आज तुम्हें पता है कैसे होता है बताएगा को कोई बच्चा कैसे होता है transfer? ये होता है वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमिट्स बनते हैं दोनों पेरेंट्स के फिर वो दोनों गैमिट्स आके मिलते हैं फर्टिलाइजेशन पे दिस इज हाउक्टर्स इज हाउ इनहेरिटेंस लेकिन जब इनहेरिटेंस हो जाती है तो क्या तुम बिल्कुल मम्मी और पापा की डिट्टो कॉपी हो क्या ऐसा है कि मेरा आधा शरीर मेरी मम्मी जैसा है आधा शरीर बिल्कुल पापा जैसा है ऐसा होता है नहीं होता है। हमारे कैरेक्टर्स मम्मी पापा जैसे मिलते हैं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिस ऐसे आधा आधा चल रहा है हैं उसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करें इधर पापा जैसी शक्ल निकले इधर मम्मी जैसी निकले या फिर ट्रांसवर्सली कट करें ऊपर मम्मी नीचे पापा ऐसा नहीं होता है देखिए जब भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस आ जाते हैं क्या आते हैं कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस आ जाते हैं ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस हैं कि थोड़ा बहुत हम अलग भी तो हैं तभी तो हम आपस में इतने वेरी, मतलब वैरायटी कितनी है कोई ह्यूमन बीइंग किसी से मैच ही नहीं कर रहा एक मम्मी पापा के दस बच्चे हैं मान लो मैं आपको बताऊं बेटा मेरी दादी के दस बच्चे थे टेन किड्स एंड नो किड इज आइडेंटिकल टू एनी वन देर जस्ट सिमिलर वो बस आपस में क्या है मिलते जुलते हैं लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि बेटा होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन वेरिएशन होने के दो मेजर रीजंस है वेरिएशन होने के दो मेजर रीजंस है वो जो दो मेजर रीजंस है दैट इज म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन मैं लिख देती हूँ तो वेरिएशन होने के टू मेजर रीजंस हैं वन इज रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन माने क्रॉसिंग ओवर हम इस चैप्टर में में भी पढ़ने वाले हैं 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 इसको अपन लोग क्या बोलते ठीक है Mutation. जी बात करते कब की काउस की की और काउस बेटा पहले के ज़माने जब अपने को desired character चाहिए होता था ना ऐसी बनाएं जो बहुत मिल्क दे ऐसी बनाएं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो बना लेते थे अपन लोग कैसे करते थे हाइब्रिडाइजेशन से सुपीरियर मेल ले लिया सुपीरियर फीमेल ले ली ठीक है उनको आपस में क्रॉस कराया और एक बना ली। ये जो है भाई, इसमें बढ़िया आई मम्मी से क्वालिटी आई डिजीज रेजिस्टेंट होगा।, होगा लेकिन एक क्वालिटी नहीं आई कौन सी पालतू की क्वालिटी आई अब मम्मी नो no डाउट मिल्क ज्यादा देती थी लेकिन प्रॉब्लम क्या आने लग गई प्रॉब्लम क्या आने लग गई यहाँ पर मम्मी में एक डिजीज के लिए ससेप्टेबिलिटी थी वो भी बच्चे में आ गई तो इस तरीके से जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स में होते हैं ना वो कैरेक्टर्स बेटा जी आ जाते हैं आपके आ जाते हैं आपके किस में इन केस ऑफ ह्यूमन इन केस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ठीक है मेरे बच्चों ये बात क्लियर हो गई किस तरीके से आते हैं तो जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये पांच पॉइंट चार पॉइंट आपको याद रखने हैं

तीन चीजें याद हो गई हैं कुछ बेसिक चीजें बेटा जी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, before starting, मेंडल जी के बारे में खास बात, कुछ बेसिक बेसिक चीजें, टर्मिनोलॉजी, क्या फॉर हाँ बेसिक्स ये सेल है सेल के अंदर, बेटा जी, है, बेटा कौन सा न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस धागेदार कितना लंबा डीएनए है तुम बोलोगे मीटर इतना लंबा डीएनए है हम कल की कक्षा में कैलकुलेट भी करेंगे अब जी, उसको न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग करके हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं क्रोमैटिन

कोई बच्चा किसी की मदद से नीट क्रैक नहीं करके आएगा या एक दूसरे से पूछ के भाई तेरा कितना हो गया मेरा कितना हो गया तो इससे कोई फायदा नहीं होगा अल्टीमेटली एवरी एस्पिरेंट इज अलोन हर रोडी एक अकेला है एक सीरियल आता था एमटीवी पे अब शायद पता नहीं आता है नहीं आता रोडीज उसमें बोलते होते थे वो हर रोडी एक अकेला है तो सच में अकेला है यार ठीक है तो तुम भी अकेले हो अकेले जाके पेपर देना है सिर्फ बेटा जी सिर्फ बेटा जी यस yes, सिर्फ बेटा जी आपको क्या करना है यहां पर अपने ही ऊपर भरोसा करना है अपने आप से ही कंपैरिजन करना है चलो मेरे बच्चों जीन जीन इतना लंबा है की की अगर मैं बात की अगर मैं मैं बात बात करूं करूं डीएनए डीएनए सारा तो फंक्शनल नहीं है नाइनटी एट परसेंट जंक है बचा दो परसेंट दो परसेंट डीएनए जो कि एक्चुअल कोडिंग है द कोडिंग पार्ट ऑफ द जीन एक्चुअली फॉर्म्स द प्रोटीन सो जीन क्या हो गया जीन क्या हो गया डीएनए है लेकिन वो डीएनए का पार्ट है जो कि जो कि बेटा क्या करता है एक्चुअल प्रोटीन को कोड ठीक पहले, पहले है, है, है इसको वाइल्ड टाइप फिर सालों बाद सालों बाद बेटा जी इसमें एवोल्यूशन हुआ और ये ओरिजिनल जीन म्यूटेट होके मॉडिफाई हो गया क्या हो गया मॉडिफाई हो गया मॉडिफिकेशन होने के बाद इसका एक्सप्रेशन बदल गया तो जो ओरिजिनल जीन था वो मेरा था डोमिनेंट जीन और जो मॉडिफाई होके बना उसको मैं क्या बोल दूंगी फॉर्म बोल दूंगी same की यानी कि मुझे यहां पर पता चला कि एक जीन की जरूरी नहीं है एक ही फॉर्म हो एक जीन की दो फॉर्म्स भी तो हो सकती है भाई ओरिजिनल वाली थी जिसको मैंने डोमिनेंट बोला एक ही नहीं आ गई रिसेसिव जिसको मैंने रिसेसिव बोला तो इसको हम क्या बोलेंगे वन जीन टू फॉर्म्स ऐसा हो सकता है एक जीन और दो निशाने एक जीन और दो फॉर्म्स यानी कि ये जो दो फॉर्म्स हैं, दीज आर कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ सेम जीन्स इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए टर्म यूज करते हैं अलील या फिर अलीलो मॉर्फ. बच्चे अलील तो याद रखते हैं लेकिन क्या याद नहीं रहते अलीलो मॉर्फ लेकिन मेंडल को तो पता ही नहीं था मेंडल को नहीं पता था मेंडल ने इनको क्या बोला मेंडल ने इनको क्या बोला मेंडल ने बोला भाई ये मेरे को कुछ नहीं पता जीन मीन मेरे हिसाब से ये सब क्या है फैक्टर्स है मेरे हिसाब से ये सब क्या है फैक्टर्स है ठीक है अब फिर आता है अलील का कॉम्बिनेशन इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल इट कुड आइदर बी सेम और डिफरेंट कैसा भी हो सकता है एग्जांपल ले, ले लेते हैं वही स्टेम हाइट से या तो बेटा कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल टी

Is this clear? टाइप, जीनो टाइप इज दिस क्लियर सारी टर्म्स क्लियर हो गए हैं सबको होमोजाइगस, जीनोटाइप, ठीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट आता है अबाउट पी प्लांट आ जाओ तभी मैं यहाँ पर यहाँ पर खोल रही हूँ इसको शुरू करते हैं मेंडल के लॉस मेंडल ने बहुत काम किया लेकिन मेंडल के काम करने से पहले बात करते हैं मेंडल ने काम किस पे किया तुम पे हैं तुम पे काम कर दे मेंडल ने बेटा जी उस चीज पे काम किया जो मुझे लगता है सर्दियों का राजा है सर्दी में तुम नहीं देखते यार हर चीज में रहे हैं मटर आलू बन रहे हैं मटर बन, 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 बन रहा है पराठा बन रहा है किस के घर में आजकल मटर का बिल्कुल वो चल रहा है डोमिनेंस चल रहा है बताओ किस, किस के घर में चल रहा है सेशन को लाइक नहीं किया मेरे बच्चों फटाफट से सेशन को लाइक कर दो कम ऑन फास्टली लाइक द सेशन

Uh, you know, एक डब्बे में बंद करके हम लोग उसको फ्रीज करते थे तो ये हमारा टास्क होता था इन दिनों में इन दिनों में ठीक है तो मटर पे बेटा जी काम किया जो कि मुझे लगता है सर्दियों का राजा है एंड देर आर सर्टेन रीजन की क्यों मटर पे काम किया गया है बात करते हैं मेंडल जी के बारे में तो मेंडल जी का जो जन्म था मेंडल जी का जो जन्म है वो हुआ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू 1822 में तो मेंडल की अगर मैं बात करूं आ जाओ मेरे साथ मेंडल का जो बर्थ है वो बर्थ हुआ 22 जुलाई ठीक है 1822 पे ठीक है जी और 1884 में उनकी डेथ हो गई इस पूरे उनके जन्म काल में छह साल ऐसे थे कितने मेरे बच्चों सिक्स ईयर ऐसे थे जब मेंडल ने काम किया जिससे पूरी बायोलॉजी चेंज हो गई फंडामेंटल लॉस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वो जो लॉस थे वो उन्होंने दिए थे जिन्होंने उस, जी उस पर काम किया दैट इज एटीन फिफ्टी सिक्स सेवन ईयर थे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीआर टी यहाँ से आ सकता है इन नोट्स में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो एनसीआरटी से बाहर है ये सारे नोट्स वो हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एक एक पॉइंट वहां से लिया गया है तो आपको इस पर प्लीज फोकस करना है तो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए कितने साल तक किए सात साल तक किए कौन से साल थे 1856 से लेकर 1863 में किए और इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की बेस्ड पर उन्होंने क्या दिए मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लॉस पढ़ेंगे ठीक है जी उन्होंने काम किस पे किया उन्होंने काम किया पी प्लांट पे किस पे काम किया पी प्लांट अब पी प्लांट के अंदर तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे लेकिन मेंडल ने टोटल सेवन कैरेक्टर्स और हर कैरेक्टर के दो ट्रेट ये देख लो दिख रहे हैं कितने कैरेक्टर है बेटा जी कितने दिख रहे हैं सात कैरेक्टर वी हैव सीड शेप सीड कलर फ्लावर फ्लावर शेप कलर फ्लावर पोजिशन पॉड कलर पॉड शेप एंड स्टेम हाइट टोटल मेंडल के द्वारा पी वाई क्यू टोटल मेंडल के द्वारा कितने कैरेक्टर्स लिए गए सात हर कैरेक्टर के कितने ट्रेट हो गए दो तो चौदह अपने पास ट्रेट हो गए सात अपने पास कैरेक्टर हो गए डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट कैरेक्टर है आई कलर कितने टाइप का आई कलर हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है ब्राउन भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है ग्रे भी हो सकता है और भी बड़े सारे कलर ब्लू हो सकता है यानी कि ये जो ब्लैक ब्लू ग्रीन ये ट्रेट है कैरेक्टर क्या है आई कलर देन कैरेक्टर इज हेयर टाइप कैसे हो सकते हैं बाल स्ट्रेट हो सकते हैं करली हो सकते हैं वेवी हो सकते हैं कि स्ट्रेट करली वेवी क्या है आपके ट्रेट वैसे ही मेंडल ने टोटल सात कैरेक्टर लिए ये कैरेक्टर है हर कैरेक्टर के उसने दो ही ट्रेट लिए कह रहा है कि सीड शेप या तो मटर की राउंड होगी या रिंकल्ड बीच का कुछ नहीं है कह रहा है कि सीड कलर या तो येलो होगा या ग्रीन बीच का कुछ लाइट येलो लाइट ग्रीन पैरेट ग्रीन ये सब नहीं है नींबू खट्टा नींबू या यू you नो know, पटे पैरेट वाला क्या कह रहे हैं पैरेट वाला ग्रीन नहीं ऐसा कुछ नहीं है फ्लावर कलर या तो वाइलेट होगा या व्हाइट होगा पॉड शेप या तो पूरी होगी या कंस्ट्रिक्टेड होगी पॉड का कलर यानी कि जो मटर का कवरिंग है या तो ग्रीन होगा या फिर क्या होगा येलो तो होगा बीच का कुछ नहीं है बीच का कुछ नहीं होने का क्या मतलब है ये सारे कैरेक्टर्स कैसे थे सारे ट्रेट्स कैसे थे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे कैसे थे मेरे बच्चों कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कंट्रास्ट कर रहे हैं ना बीच का कुछ भी नहीं है ये जान के किया मेंडल ने हमारे में तो देखो बीच का होता है ना क्या तुम्हारे में ऐसा है कि या तो तुम छह फुट के हो या फिर चार फुट के हो बताओ सारे लड़के ऐसे हो जाए ह्यूम सारे लड़के छे फुट ही है और सारे लड़कियां चार फुट की है हिल वालों का बेटा काम बंद हो जाएगा आज के टाइम पे जो फुटवेयर बनते हैं उसमें हील का यू you नो know, वो आता है तुम्हें इतनी हील चाहिए तुम्हें इतनी चाहिए तुम्हें इतनी हील चाहिए बताओ कैसी प्लेटफॉर्म चाहिए पेंसिल हिल चाहिए अगर ऐसा हो गया कि सारी लड़की चार फुट और सारे लड़के छे फुट तो हमारे पास जो हील आएगी वो एक ही साइज की आएगी ताकि लड़कों तक मैच हो पाए नहीं तो हील बननी बंद हो जाएगी हील वालों का मार्केट बंद बिल्कुल मार्केट बंद ठीक है मार्केट ही उनका इसलिए क्योंकि वेरिएशन है हमारे अंदर वेरिएशन है हमारे अंदर, अंदर अगर स्किन कलर में देखो क्या हम ऐसे है या तो बिल्कुल ब्लैक निग्रो है या फिर बिल्कुल एल्बाइनो है क्या हम ऐसे हैं क्या हमारे में कंट्रास्टिंग ट्रेट है स्किन कलर में नहीं है हम या तो बहुत डार्क भी हो सकते हैं लाइट डार्क भी हो सकते हैं कम डार्क भी हो सकते हैं थोड़े गोरे हो सकते हैं सांवले हो सकते हैं है ना घेहुआ रंग हो सकता है ऐसा नहीं है अगर ऐसा हो गया ना या तो गोरे या काले फेयर एंड लवली का धंधा खत्म ठीक है क्या क्रीम बनाएगी वो बताओ पहले तो शेड्स बनाती थी कि आप काले से थोड़ा का, कम काले होंगे फिर थोड़ा और कम काले होंगे फिर थोड़े गोरे होंगे ज्यादा गोरे होंगे अब क्या शेड्स बनाएगी शेड्स है ही नहीं आइदर ब्लैक और व्हाइट लवली का धंधा भी खत्म हील वालों का धंधा भी खत्म तो हमारे में कंट्रास्टिंग ट्रेट्स नहीं है ने लेकिन पी प्लांट थे किया था उसमें क्या थे प्लांट की वेराइटी ली ट्रेट माने वेराइटी वेराइटी ये सारी वेरायटी कैसी थी ट्रू ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग होती है प्योर लाइन प्योर लाइन का मतलब होता है सालों तक उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती रही तो वो यही बनता रहा ठीक है जी तो टोटल चौदह वेराइटी

हर कैरेक्टर के साथ उसने कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे या तो ये या तो ये हेड और टेल बीच का कुछ नहीं है ठीक है जी और बेटा उसने क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन भी करी थी ठीक है तीन स्टेप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बता देती हूँ देर आर ऑलवेज थ्री स्टेप्स मेंडल ने तीन स्टेप्स में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स जिसको पता है बताओ फर्स्ट क्या है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स बताओ कैसे पेरेंट्स लेने हैं ट्रू ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग माने प्योर लाइन सिंपल भाषा में तुम्हारी भाषा में सिंपल कैसे पेरेंट्स लिए माने प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग फिर इन दोनों माँ बाप की क्या करा देनी है क्रॉस पॉलिनेशन क्या करा देंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के पास मेरे पास एफ वन हाइब्रिड आ जाएगा आ गया अब इस एफ वन की क्या करा देंगे सेल्फ पॉलिनेशन

क्या ये सारे के सारे कैरेक्टर्स पी प्लांट के अंदर एक ही क्रोमोजोम पे सवार है नहीं बेटा एक ही क्रोमोजोम पे सवार नहीं है अगर मैं बात करूंगी सीड शेप की मैं इस वाले ऑर्डर में जाती हूँ अगर मैं बात करती हूँ सीड शेप की दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर सेवन ध्यान देना है बात करो सीड कलर की दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर वन बात करो फ्लावर कलर की दिस कैरेक्टर इज आल्सो प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर वन पॉड शेप के बारे में बात करते हैं कैरेक्टर प्रेजेंट है क्रोमोजोम नंबर फोर पे पॉड कलर की बात करें तो पांचवे पे फ्लॉर पोजीशन की बात करूं तो चौथे पे स्टेम हाइट की बात करूं तो चौथे पे अलग अलग क्रोमोजोम सेम पे, पे नहीं है यानी कि सात कैरेक्टर टोटल कितने पे प्रेजेंट है मेरे साथ साथ बोलो ये सेवन कैरेक्टर पी के टोटल प्रेजेंट है चार क्रोमोजोम्स पे चार ही लिए कौन कौन से वन फोर फाइव सेवन या तो वन है या फोर है या फाइव है या सेवन है सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस पे प्रेजेंट है मैक्सिमम कैरेक्टर यस मेरे बच्चों चेक करो सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस पे प्रेजेंट है सबसे ज्यादा हाँ ah, जी सबसे ज्यादा किस पे प्रेजेंट है सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स प्रेजेंट है क्रोमोज़ोम नंबर फोर पे किस पे प्रेजेंट है क्रोमोजोम नंबर फोर पे क्लियर है मेरे बच्चों क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया है

एफ वन की मुझे करनी है सेल्फिंग तो सेल्फिंग कर लेंगे सेल्फिंग करने के बाद ऐसा एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि दिया था प्यूनेट भाई साहब ने अगर ये स्ट्रक्चर प्यूनेट भाई साहब ने दिया है स्क्वायर दिया है तो इस स्क्वायर को बोला जाता है प्यूनेट स्क्वायर भाई तुम हैरान हो जाओगे एक क्वेश्चन इस पे भी है कि मेंडल ने जो क्रॉसिंग की थी उसमें क्या यूज किया था वेन डायग्राम यूज किया प्यूनेट स्क्वायर यूज किया एक और यू नो माइपर बोला पता नहीं क्या ऑप्शन दे दिया इससे आसान पीवाई क्यों आया नहीं है उन्होंने क्या यूज़ यूज़ किए किए स्क्वायर जब बेटा जी निकाला यहाँ पर रिजल्ट तो से टॉल कितने सब बच्चे बताएं, इन चार में से कितने दिख रहे हैं तुमने करा होगा इन चार में से अगर तुम टॉल देखोगे ये तो दो ये टॉल और ये मेरा टॉल यानी कि तीन मेरे टॉल हैं

मेरा जीनोटेमिक रेशियो कितना आ जाएगा चलिए, आपको मैं चार ऑप्शंस देती हूं आपको इन चार ऑप्शंस में से इसका आंसर देना है सो क्वेश्चन पर्पल फ्लावर दे रही हूं बेटा अभी दे रही हूं ग्रीन पॉड ग्रीन पॉड एंड देन एक्सियल फ्लावर एक्सियल फ्लावर एंड टर्मिनल फ्लावर टर्मिनल आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस स्टेट यस कम ऑन आंसर दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन ऑप्शन आपके सामने है ओहो oh. बताओ आउट ऑफ ए बी सी डी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन अभी जितना हमने किया उतने पे सवाल है डायरेक्ट सवाल आ सकता है पर्पल प्लार ग्रीन पॉट एक्जल फ्लार टर्मिनल फ्लार यस yes, मेरे बच्चों क्या आंसर लग रहा है कितने बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं ओनली गलत जवाब एक्सेप्टेड अगर मैं बोल ओनली गलत जवाब एक्सेप्टेड दैट इज गोइंग टू बी यस करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी कैसे निकाला ओनली होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा अरे इसको क्या हो गया ओनली होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सप्रेस करेगा रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव क्योंकि डोमिनेंट वाला जो हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट है वो तो बेटा जी दोनों केस में ही डोमिनेंट बना सकता है लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सिर्फ स्मॉल एंड स्मॉल एंड या फिर रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस कर सकता है फिर पर्पल फ्लार हो गया ग्रीन पॉड हो गया एक्जल फ्लार ये तो डोमिनंट है

इन्होंने बेटा जी तुमको दिया था स्क्वायर स्क्वायर ये पूरा मैंने पर तुमको दिखा दिया ठीक है पूरा स्क्वायर पर बना हुआ दिखा दिया ये रेशो का फोटो है बेटा जी थ्री रेशो वन एंड वन टू वन इज दिस क्लियर एक और सवाल बेटा जी पूछ लू एक और सवाल पूछ लू चलिए वन मोर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड मैं साथ साथ क्वेश्चन पूछते जाऊंगी आज मैं बड़े सारे सवाल लेके आई हूँ बेटा आज की क्लास सवालों से भरी हुई है सवालों से भरी हुई है आपको बताना है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एफ वन इंडिविजुअल्स एफ वन इंडिविजुअल्स आर इन मोनोहाइब्रिड के लिए एफ वन इंडिविजुअल्स आर सिमिलर टू बोथ पेरेंट्स कम ऑन ट्रू और फॉल्स एफ वन इंडिविजुअल आर सिमिलर टू बोथ पेरेंट्स ट्रू और फॉल्स फटाफट से बताएंगे एफ इंडिविजुअल्स आर सिमिलर टू बोथ पेरेंट्स वैसे तो आंसर सामने दिख रहा है बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं टी एफ टी एफ यस मेरे बच्चों आंसर ट्रू और फॉल्स एफ वन इंडिविजुअल आर सिमिलर टू बोथ द पेरेंट्स जिसने आंसर दे दिया सेशन को लाइक कर दो तो फटाफट से आंसर क्या होने वाला है भाई मोनो हाइब्रिड में एफ वन दोनों माँ बाप से मिलता है इधर देख लो माँ बाप कौन है एक कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी टॉल एक डॉफ एक एक है लेकिन मेरा एफ वन तो टॉल है एफ वन तो टॉल है तो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बिकम फॉल्स चलो अगला एफ वन ऑफ़ ऑफ़ द द पेरेंट पेरेंट वन बोथ बोथ इंडिविजुअलोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली ऑन बोथ फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स Is this statement true or false? F1 जो है मेरा एक माँ बाप से मैच करता है से, वाले बच्चे खड़े, खड़े हो तालियां तालियां तालिया मारने के बाद अपने आप को थोड़ा सा ऐसे 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 करें क्योंकि बेटा आप गलत है आंसर क्या आने वाला है फॉल्स आने वाला है भाई यहाँ तक लाइन ठीक है एफ वन फिनोटिपिकली फिनोटिपिकली तो सेम है एक माँ बाप टॉल था वो भी टॉल है लेकिन जीनो टिपिकली नहीं माँ बाप मेरे प्योर लाइन थे कैपिटल टी कैपिटल टी वाला टॉल था ये कैसा टॉल है ये बेटा जी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है सो दिस इज हैल्सो फॉल्स अब यहाँ जो एफ वन बना ध्यान दो यहाँ जो मेरा एफ वन बना आपको क्या लगता है इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है कि अलग है इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है कि अलग है यस और नो अगेन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन ये जो F1 बना इसकी और इसकी हाइट सेम है या फिर अलग है बता दो सेम है मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर तो क्या इसको 5 लिख दू क्या इसको 5 लिख दू? एक ही कैपिटल कैपिटलिटी है ना बेटा यहाँ दो है तो हो सकता है 10 सेंटीमीटर का हो या एक ही कैपिटल कैपिटलिटी है तो हो सकता है पांच का हो लिख दे नहीं लिख सकते मेरे बच्चों नहीं लिख सकते क्योंकि मेंडल ने जितने भी क्रोसेस किए थे उसने बताया था कि मेरे जो एलील्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते देयर इज नो ब्लेंडिंग मेंडल ने कहा था कि जितना टॉल मेरा कैपिटल टी कैपिटल टी है उतना ही टॉल मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा मतलब नंबर ऑफ कैपिटल टी डालने से कुछ नहीं होता डोमिनेंट एलील चाहे एक हो डोमिनेंट एलील चाहे दो हो चाहे दस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा टॉल दस सेंटीमीटर का है तो दस ही रहेगा नो no मैटर होमोजाइगस है या है यानी कि मेंडल कहते थे मेरे अलीलों के अंदर ना क्वालिटी है क्वांटिटी नहीं देखता मैं मैं ये नहीं देखता कि एक कैपिटल है कि दो कैपिटल है ना अपन लोग क्या देखते हैं अपन लोग सिर्फ देखते हैं क्या क्वालिटी यानी कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो तुम बोलोगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या कोई ब्लेंडिंग होती है मेंडल के अकॉर्डिंग कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है जो एक्सप्रेशन एक कैपिटल टी का आना है वही दो का आना है अलग नहीं आना डबल नहीं होना ना ही हाफ होना है लेकिन इसी चैप्टर में आप इसका एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आप इसका एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आप इसका एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे क्या कोई एक्सेप्शन बता सकता है क्या मेरे बच्चों को एक्सप्रेशन एक्सेप्शन बता सकता है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे

ठीक है तो एग्जाम्पल इज तुम्हारा रंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द एक्सेप्शन हेयर इज गोइंग टू बी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो कि हमारा स्किन कलर हमारा आई क्यू हमारा हाइट ये सब शो करते हैं सो दैट्स इट विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने डन कर लिया है ठीक है जी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने डन कर लिया है अब यहां पर डायहाइब्रिट में जाने से पहले इन्होंने बोला कि भाई तुम मेंडल हो तुम क्या हो मेंडल एवरी वन इमेजिन योर सेल्फ एज अ मेंडल

अब बेटा तुम्हें पता लगाना है कि ये जो f1 में टॉल आया क्या ये जो मेरा टॉल है क्या ये टॉल कैपिटल t कैपिटल t है या ये टॉल कैपिटल t स्मॉल t है होने को तो दोनों हो सकता है है ना तुम्हें नहीं, नहीं पता ये कौन आया लेकिन होने को ये दोनों हो सकता है तो भाई क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में जब आपको फिनोटिपिकली डोमिनेंट का जीनोटाइप पता करना होता है ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है इसका जीनोटाइप पता करना है भाई इसका क्रॉस कर दिया जाता है किसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ आप इसका क्रॉस कर देंगे किसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ, साथ ठीक है आप इसका क्रॉस कर देंगे मेरे बच्चों किसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ और उस क्रॉस को जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस जिसको अपन लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस यस मेरे बच्चों क्या बोलते हैं इसको टेस्ट क्रॉस तो समझे टेस्ट क्रॉस क्या होता है एस क्रॉस एक तरीके का बैक क्रॉस है मैं लिख देती हूँ बैक क्रॉस होता है मां-बाप से शादी आ, शादी मतलब है, शादी नहीं बोलना चाहिए मां-बाप से क्रॉसिंग कर लेना ठीक है तो एक होता है बैक क्रॉस बैक क्रॉस कहता है कि तुमको एफ1 को किसी ना किसी पेरेंट से क्रॉस कराना है या तो तुम एफ1 को करा सकते हो डोमिनेंट पेरेंट्स से डोमिनेंट पेरेंट्स से या फिर एफ1 को करा सकते हो

कि यार या तो मेरा पेर या तो मेरा एफ वन ये है या तो मेरा एफ वन ये है तो देख लेते हैं करके देख लो तुम्हें शक है तुम्हें शक है कि या तो मेरा एफ वन है कैपिटल स्मॉल दोनों को अलग अलग क्रॉस कर लो इसको भी स्मॉल स्मॉल टी से कर लो इसको भी स्मॉल टी स्मॉल टी से कर लो इसको भी स्मॉल टी स्मॉल टी से कर लो प्यूनेट स्क्वायर बना लो जब तुम इसको क्रॉस करके यहाँ स्क्वायर बनाओगे बना दो बना दो मेरे बच्चों कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी भाई सारे के सारे प्लांट्स आएगा स्टॉल आ जाएंगे ऑल ऑल टॉल टॉल इधर कर लो लो यूनिट स्क्वायर बना दिख रहा है सबको अपनी अपनी कॉपी में बनाइए कैपिटल टी स्मॉल टी स्म टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्म टी यानी कि यहां पर टॉल रेशो डॉफ दोनों आ रहे हैं वन रेशो वन में वन रेशो वन में मतलब तुम्हें पता चला कि जब तुमने इस सैंपल को रिसेसिव से क्रॉस किया अगर तो सारे टॉल आए मतलब ये था कैपिटल टी कैपिटल अगर तो आधे टॉल और आधे डॉर्फ आए तो मतलब ये था हेटरो दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस यहाँ पर एग्जांपल में एनसीआरटी के एग्जांपल में बेटा जी इन्होंने फ्लार कलर लिए ये देखिए टेस्ट क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप विद रिसेसिव पेरेंट नो इट्स सिंपल ये फंडा है अपने टेस्ट क्रॉस का यहाँ देख लो लुक एट दिस लुक एट दिस 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 किससे क्रॉस कर रहे हैं हम कर रहे हैं रिसेसिव से स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू शक किस पे है मुझे शक है या तो मेरा सैंपल ये है या तो बेटा मेरा सैंपल कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस दिख रहा है दिख रहा है ये एनसीईआरटी की फोटो है, है तो तुम्हें पहचाननी आनी चाहिए पहचाननी आनी चाहिए

इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने टोटल तीन लॉज दिए टोटल तीन लॉज दिए जिसको अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पहला कौन सा दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस एक लॉ ऑफ पेर्ड फैक्टर भी था मैं ऐड कर देती हूँ लॉ ऑफ पेर्ड फैक्टर्स पेर्ड फैक्टर ठीक है देन अपना आया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड देन आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर यू रेडी टू डू द लॉज यस मेरे बच्चों क्या सब बच्चे रेडी हैं डीपी भी दे, दे? दे देते हैं हाँ इनको याद था मैम ने बोला मोनो के बाद मिलेगी मैम ने क्या बोला था मोनो के बाद डीपीपी मिलेगी दूंगे ना दूं बोलती हूँ टीम को यहाँ पिन हो जाएगी थोड़ी देर के लिए पिन रहेगी पर तुम भाग जाओगे ना डीबीबी को लेने के लिए भाग जाओगे मैं दे दूंगी यार ठीक है मैं दे देती हूँ रुक जाइए मैं दे देती हूँ आपको डीपीपी पहले ये कर लें ये भी मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड है मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड है लॉज लॉज समझ लो यार प्लीज क्योंकि में से आपको डायरेक्ट सवाल आएगा और लॉज की खासियत ये है एनसीईआरटी की लाइन में से आएगा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी की लाइन में से आएगा तो एनसीईआरटी में यहाँ पर जरूर दिखाऊंगी पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस हाँ में मैंने सोचा बेटा अगर मैंने यहाँ दी ना तो आप लोग बड़े पैनिक में आ जाएंगे आप वहां पर जाएंगे एंड देन यू विल फील लाइक की मैं कैसे कैसे फटाफट से डाउनलोड करूं क्योंकि बहुत सारी फाइल्स है उसमें तो आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट क्योस वाइल स्टडिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं है ना पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इसीलिए डी भी आपको मैं दूंगी अपने टेलीग्राम पर क्लास के बाद सीप पाहजा टेलीग्राम का एड्रेस दे रही हूँ सीप पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल क्या है मेरा टेलीग्राम सीप पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल ए दो लाख टू तो लाख नाइन्टी फोर थाउजेंड सम में स्टूडेंट है ज्वाइन कर लेना बहुत काम का है उसमें बहुत चीजें शेयर करती हूँ

चैप्टर को क्या करना है पूरा करना है पहला जो लॉ आता है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हम पहले बताते लॉ ऑफ पेयर फैक्टर ये कहता है कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास पेयर ऑफ अलील्स होगा जैसे कि स्टेम हाइट है तो पेयर ऑफ अलील कैपिटल टी स्मॉल टी अपने पास सीड शेप है तो पेयर होगा कैपिटल आर स्मॉल आर सीड कलर है तो पेयर होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये है मेरा लॉ ऑफ पेयर फैक्टर

कैपिटल वाले का जोर चलेगा स्मॉल वाले को पूछेंगे नहीं स्मॉल वाला थल्ले थल्ले किसका जोर चलने वाला है सिर्फ कैपिटल वाले का तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है इफ देयर आर कैपिटलिटी इन द एलील्स देन ओनली द कैपिटल वन द डोमिनेंट वन विल बी एबल टू एक्सप्रेस कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा और ये प्लांट दस सेंटीमीटर ही एग्जाम्पल के तौर पर बताया था फुल्ली टॉल होगा दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस तो पहली लाइन देखो क्या कहता है

दूसरी चीज F2 के अंदर दोनों माँ बाप के कैरेक्टर आएंगे तीसरी चीज F2 के अंदर थ्री रेशो वन आएगी मोनोहाइब्रिड एक्सेप्शन नहीं है बताओ। क्या इसका कोई, exception नहीं, है? क्या इसका कोई exception नहीं है? तुम बोलोगे भाई दिस इज नॉट यूनिवर्सल दिस वन इज नॉट यूनिवर्सल दिस हैज एक्सेप्शन इसके एक्सेप्शन है जो भी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी पढ़ेंगे फोर ओ क्लॉक प्लांट में एंड तुम्हारा ब्लड ग्रुप दैट इज गोइंग टू बी को जी लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है चलो जी अगला लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन लॉ ऑफ अप्लाई होता है जब अपने लोग अलील्स को जो कि पेयर्ड फॉर्म में है उनको सेग्रीगेट करते हैं कब करते हैं कब करते हैं गैमिट बनाते हैं ना अच्छा अलील्स का जो पेयर है ये सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जब गैमिट बनते हैं बेटा जी तब ये जो अलील्स हैं ये सेग्रीगेट होते हैं ताकि एक गैमीट के अंदर एक ही अलील आए होता ही है ना ये देखो अगर मेरा पेरेंट कैपिटल टी कैपिटल टी है तो मेरे दो गैमीट बनेंगे एक कैपिटल टी दूसरा भी है मेरा पेरेंट ये है तो दो गैमीट बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बेटा आज मैं ना थोड़े न्यूमेरिकल्स भी कराने वाली हूँ अभी फॉर्मुला शीट बनवाऊंगी वंस वी कंप्लीट द डायहाइब्रिड एंड उसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं करवाने वाली हूँ तो पूरी क्लास लगाना लिंकेज के भी न्यूमेरिकल कराऊंगी

क्या इस लॉ का कोई एक्सेप्शन है नो no एक्सेप्शन इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है यह लॉ कहलाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स मतलब वन गैमिट इज प्योर फॉर वन अलील एक गैमिट के अंदर एक अलील तो आएगा ही आएगा अगर ऊपर पेरेंट के पास दो हैं तो ठीक है जी दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चलो जी अब कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का हमने एक्सेप्शन बताया था इनकम्प्लीट हाँ अच्छे से हावी नहीं हो पा रहे टी पहले तो क्या दबा देता था, और खुद ही कर जाता था अब कह रहे हैं मैं इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हूं मैं होना तो चाहता हूं पूरा टॉल लेकिन मैं बीच में रुक गया हूं मैं होना तो चाहता हूं पूरा लाल लेकिन, तो पूरा लाल, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन बीच में ही रुक गया है ठीक है जी यानी कि डोमिनेंट लील पूरा एक्सप्रेस ना होकर कुछ इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आए दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस ठीक है यानी कि जो मेरी एफ वन जनरेशन है वो किसी से भी मैच नहीं खा रही है ना टॉल वाले से ना डॉप से बीच का हाइट आ, आ जा रहा है कोई इंटरमीडिएट आ जा रहा है डज नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट एग्जाम्पल है जो आपके एनसीआरटी में दी हुई है डॉग फ्लॉर्ट स्नैप ड्रैगन और एंटीराइनम स्पीशीज ये कहते हैं भाई मेरे पास दो मैं ले लेती हूं क्या कहते हैं

अगर ये मेंडेलियन क्रॉस को फॉलो करते तो कौन सा कलर आता हां जी बेटा डे टू मैंने कल मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कराना है जिसमें से ग्यारह क्वेश्चन आने हैं नौ से ग्यारह दस भी हो सकते हैं नौ भी हो सकते हैं ग्यारह भी हो सकता है अगर दस भी आए सेफ साइड पे क्या इस तरीके से है? मतलब ये जो हमारे ब्यूटिफुल धासु नोट्स है क्या इसके द्वारा ठीक है और यू वॉन्ट कि हम एक एक चीज फिर से लिखे मैंने इसमें वैसे कुछ मिस नहीं किया जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं साथ में ही लिख दे रही हूँ okay? एक बार मुझे थोड़ा सा बताइए चैट सेक्शन में हाँ जी क्या इससे आपकी फास्ट प्रेपरेशन हो रही है बिकॉज आई एम लुकिंग एट द टाइम रेशो टाइम बड़ा क्रूशल है बेटा डिटेल तुम लेना चाहो ये सारा मेरा डिटेल ये देखो ये है एक मिनट रुकी मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा डिटेल ऑलरेडी मैंने तुम्हें पुराने लेक्चर्स में दिया हुआ है अगर आप चाहते हैं तो मैं साथ में ऐड कर दूंगी उसको इस पी में उसको ऐड कर दूंगी इज दिस ओके फास्ट फास्ट मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इसमें बहुत ठीक है कह रही ठीक नहीं है मैं डर गई फिर कह रहे हैं बहुत ठीक है बहुत ठीक है डीपी भी टेलीग्राम पे दूंगी टेलीग्राम पे यस। है सुपर है वैसे नोट्स तो सुपर है अपने एनसीआरटी का कोई डायग्राम को भी नहीं मिस्ट है और कोई पॉइंट भी नहीं मिस्ट है बेटा जी जिसने डिटेल नहीं पढ़ा है रिक्वेस्ट एक बार जरूर देख लेना ट्री से जाकर, सीप तो यहाँ पर लाल रंग के पौधे आने चाहिए थे है ना क्योंकि वो तो कहता है कोई ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं होती है अपने तो क्वालिटी बिलीव करते हैं लेकिन यहाँ पर जो है कैपिटल आर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर ये पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाया और बीच का एक्सप्रेशन आ गया और लाल और

डॉमेंटील इज नॉट कम्प्लीटलीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव हाफ एक्सप्रेशन आता है इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आता है ठीक अगला जो एक्सेप्शन आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का जिसको अपन लोग बोलते हैं जिसको अपन लोग बोलते हैं को डोमेंस लेकिन को डोमिनंस करने से पहले एक हिडन चीज तुमको कराना चाहती हूँ रुको एक हिडन चीज तुमको कराना चाहती हूँ जो हर बच्चा मिस कर जाता है एक पैराग्राफ है एक पैराग्राफ है बेटा जिसमें से सवाल ना उठ उठ के आते हैं एन टी कहता है कि मैं ऊपर से सवाल नहीं पूछूंगा मैं यहाँ से सवाल पूछूंगा दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस रेडी टू डू दिस रेडी ये एक पैराग्राफ बच्चों की जिंदगी ना हिला देता है सारा पढ़ के जाएंगे ये एक पैराग्राफ पढ़ के नहीं जाएंगे वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बता दू कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है ध्यान से समझना जो पैराग्राफ में लिखा है वही बता रही हूं क्योंकि मेरा एम है कि एक एक लाइन एनसीआर एक एक -एक से सीख के जाओ जो ओरिजिनल फॉर्म में मेरे पास जीन था उस जीन से कुछ ना कुछ प्रोटीन बनता था प्रोटीन बेटा जी एक्सप्रेस करता था यही होता है जीन प्रोटीन है, बनाएगा और क्या होगा एक्सप्रेस होगा ठीक है जी ये ओरिजिनल फॉर्म था जिसको अपन लोग क्या बोलते थे डोमिनेंट फॉर्म बोलते थे पुराने जमाने में क्या बोलते थे डोमिनेट एवोल्यूशन हुई एवोल्यूशन हुई एवोल्यूशन में म्यूटेशन आई Mutation आई, तीन केस बने। तीन केस बने, बने। तो क्या हुआ म्यूटेटेड अलील आया म्यूटेटेड अलील आया लेकिन इसने बना बना दिया सेम प्रोटीन बना दिया, ऊपर वाला, भाई कुछ चेंज ही नहीं हुआ थोड़ा सा लेस एफिशिएंट सेम है बट लिटिल बिट लेस काम करता बट कर लेता काम हुआ है काम चलाऊ बना दिया दूसरा केस क्या आया कि भाई म्यूटेटेड अलील हुआ म्यूटेटेड अलील हुआ और प्रोटीन बनाया ही नहीं नो no प्रोटीन तीसरा केस क्या itu? हो सकता है म्यूटेटेड अलील आया म्यूटेटेड अलील आया और प्रोटीन बनाया बट सम अदर प्रोटीन डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट प्रोटीन बना दिया भाई पहले केस में अगर मैं ऊपर वाले को डोमिनेंट कह रही थी तो इसको क्या बोलूंगी ये भी डोमिनेंट है क्योंकि सेम प्रोटीन बना दिया ना ये तो डोमिनेंट ही है अगले दो केसेस देखो इसमें इसने प्रोटीन बनाया ही नहीं और इसने बेटा भी ऐसा चेंज आया कि अलग ही कोई अलग ही अवस्था का प्रोटीन बना दिया इसको अपन लोग क्या बोलेंगे दिस 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 वन वन इज 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 कॉल्ड कॉल्ड एज एज रिसेसिव रिसेसिव मेरे बच्चों सो द ऑफ डोमिनेंस जो इस पूरे पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है यहां पर देखोगे देखो, देखो फर्स्ट लाइन नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम यानी कि यानी कि मेरे बच्चों कौन सा वाला प्रोटीन हो जाएगा डोमिनेंट ही है नॉर्मल बनाया लेकिन लेस एफिशिएंट है तो डोमिनेंट ही बोलेंगे नॉन फंक्शनल या फिर एंजाइम बनाया ही नहीं तो दैट इज गोइंग टू बी रिसेसिव तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्लियर मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्लियर आ जाओ को डोमिनेंस पे को डोमिनेंस कहता है कि भाई एक मियान में दो तलवारें नहीं हो सकती दो स्ट्रॉन्ग आदमी साथ हो जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी होता ना बेटा अगर पति और पत्नी में से पति और पत्नी में से एक थोड़ा सा तेज हो पत्नी थोड़ी सी तेज हो पति हमारे थोड़े शांत स्वभाव की है तो जोड़ी चलती है कि नहीं चलती जोड़ी खुश रहती है ना वो जोड़ा थोड़ा रिलैक्स रहता है पति भी कहता है जो ले रही है डिसीजन लेने दो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं तो भाई शांत स्वभाव का हूँ दूसरा कैसे हो सकता है कि पत्नी शांत स्वभाव की है लेकिन जो पति जी हैं वो बड़े तेज हैं अपने हिसाब से चीजों को रन करते हैं वो भी चल जाता है सुलझी हुई पत्नी है जैसा वो कहेगा वैसा वो कर लेगी लेकिन लेकिन बेटा जी अगर दोनों पति और पत्नी निकले स्ट्रॉन्ग हेडेड ना मैं तेरी मानूंगी ना तू मेरी मान रहा है अब कर लेते हैं अपन लोग लड़ाई ठीक है शादी निभाने का अगर दोनों तेज तरार एक साथ आ जाते हैं तो दोनों कहते हैं ठीक है मैं तेरी मानूंगा तू मेरी मान जा इक्वली एक्सप्रेस कर जाएंगे ये वही है कोडोमिन कोडोमेंस कहता है तेज तरार पति पत्नी साथ आ जाए माने दो डोमिनेंट एलील एक साथ आ जाए ये D1 ये D2 तो ये भी एक्सप्रेस करेगा ये भी एक्सप्रेस करेगा दिस इज को डोमिनेंस अब तक तो मेंडल ने बोला कि भाई दो अलग डोमिनेंट तो होते ही नहीं है हमारे हिसाब से तो एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है लेकिन बीच में एक फंडा आया किसका फंडा आया मल्टीपल एलिज्म का फंडा आया एक मिनट किसका फंडा आया मल्टीपल एलोलिज्म का फंडा आया हमारा आईपैड भी ना कम नहीं है मल्टीपल एलोलिज्म का फंडा आया ये मल्टीपल एलोलिज्म कहता है जरूरी नहीं है एक कैरेक्टर के दो ही अलील होंगे एक कैरेक्टर के दो से ज्यादा भी अलील हो सकते हैं जैसे क्लासिक एग्जाम्पल तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अपन ने लिया ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप में हमें पता चला मेरे पास ब्लड ग्रुप में दो डोमिनेंट अलील होते हैं

ई कॉम्बिनेशन बन रहा है वाला जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आएगी जब पत्नी एक साथ हो जाएगा तो डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं समझौता करना है तो कहते हैं समझौता कर लेते हैं आधा तू मेरा मान ले आधा मैं तेरा मान लूंगा तो ये कहता है कि अगर दोनों डोमिनेंट एक साथ आ गए तो कहते हैं आधी शुगर मेरे वाली कर लो आधी तुम्हारे वाली कर लो आधे पे ए एंटीजन लगा दो B लगा दो, आधे पे बी लगा दोनों खुश है ना ताकि रिश्ता बना रहे नहीं करवा सकते दिस इज बेसिकली बेटा रिश्ता टूट जाएगा जाएगा डोमेस्टिक कोर्ट में दोनों एक दूसरे पे गलत इल्जाम लगाएंगे क्या फायदा ऐसा है ना मेरे बच्चों क्या फायदा ऐसा ठीक है जी तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है इस चीज का कोई फायदा नहीं है चलो तो को डोमिनेंस कहती है एग्जाम्पल इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींगीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स हाँ जी इसका फंडा में तुम्हें समझा दू फंडा में तुमको समझा दू रुक जाओ हाँ जी पहले मैं तुम्हें मल्टीपल एलियम लिखवा देती हूँ मल्टीपल एलियम मैंने क्या बताया जब एक जीन के वन जीन हैज मोर देन टू फॉर्म्स मोर देन टू अलील्स यहां लिखती हूँ वन जीन ही दिख सकता है ये कभी भी स्पीशी में नहीं दिख सकता ओनली सीन इन पॉपुलेशन एग्जाम्पल क्या आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है बताओ क्या आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है ब्लड ग्रुप लिखिए सब बच्चे ब्लड ग्रुप लिखिए सब बच्चे अपना अपना ब्लड ग्रुप बताएं मैं आप में से तीन बच्चे सेलेक्ट करूंगी आप में से तीन बच्चों का नाम यहाँ पर आने वाला है ब्लड ग्रुप लिखो फटाफट से सब बच्चे अपना ब्लड ग्रुप लिखे हाँ 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 लिखो 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 पॉजिटिव पॉजिटिव छोड़ दो बस ए बी और ओ लिखो ऐसे ए बी ए बी एन ओ ठीक है तो मैंने यहाँ पर एक बच्चे का नाम लिया जस्ट अ सेकंड बड़ी फास्ट चैट चल रही है पिंकी खातून तो पिंकी कह रही है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ओ ठीक और बताओ तन्नू कह रही है मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ए बी ठीक एक और बच्चा चाहिए हाँ जी एमडी डी अल्ताफ खान कह रहे हैं मुझे भूल गया क्या, क्या कह रहे थे मैं खुद से लिख देती हूँ मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ए पता नहीं बी कह रहे थे के कह रहे थे मैंने यहाँ पर लिख दिया ए अगर मैं सिर्फ पिंकी को पढ़ूं तो ओ ब्लड ग्रुप किस वजह से आएगा आईओ आईओ ठीक है अगर मैं सिर्फ तन्नू को पढ़ूं तो ए बी ब्लड ग्रुप आएगा आई ए आई बी की वजह से अगर मैं सिर्फ अल्ताफ को पढ़ूं तो या तो आई ए आई ए है या फिर आई ए स्मॉल आई है यही केस बन सकते हैं यानी कि अगर मैंने एक टिंकी को पढ़ा तो मेरे को तो पता चला भाई एक ही अलील है क्या स्मॉल आई मैंने जब तन्नू के ब्लड ग्रुप को स्टडी करा तो मुझे पता लगा यार दो लील हो सकते हैं या तो आई ए या फिर आई बी जब मैंने अल्ताफ को पढ़ा तो भी मैंने ये पढ़ा कि दो अलील हो सकते हैं या तो आई या फिर स्मॉल आई क्या मेरे को एक बंदे को पढ़ के ये पता चल रहा है कि दो से ज्यादा अलील है जबकि बेटा है, 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 है दो से ज्यादा दो से ज्यादा लील है ना एक आईए है एक आई बी है और एक आईओ है दो से ज्यादा अलील का पता मुझे सिर्फ और सिर्फ किस में चलता है पॉपुलेशन में तीनों को पढ़ना पड़ेगा जब मैंने तीनों को एक साथ पढ़ा पिंकी को तनु को अल्ताफ को तब मुझे पता चला आईओ भी है आई ए भी है आई बी भी है नहीं पता चल सकता है ठीक है तो ए बी क्यों क्योंकि जब दो डोमिनेंट लील एक साथ प्रस्तुत होते हैं तो ये बेटा जी को डोमिनेंट यानी कि ए एंटीजन भी आएगा बी भी आएगा और ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी यही है को डोमिनेंस

वैसे तो, तो तुम्हें क्लियर रहा है ब्लड ग्रुप कितने तरीके का होता है ए बी ए बी एंड ओ चार लेकिन इसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जीनो टाइप का फॉर्मूला होता है एन बटे टू एन प्लस वन तो तुम यहां देख लो एन बटे टू एन प्लस वन तो देख लो कितनी बनेंगी थ्री बाई टू थ्री प्लस वन आंसर क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा सिक्स तो बेटा तुम्हें ब्लड ग्रुप का हो तो तुम डायरेक्ट ही निकाल लोगे लेकिन तुम्हें कोई रैंडम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि five alleles, five alleles, uh, alleles, genotype, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मुलास हमेशा रहेंगे मल्टीपल एलिजम के इससे तुम रिजोल्व कर सकते हो दूसरा ब्लड ग्रुप के पीछे की कहानी क्या है ब्लड ग्रुप के पीछे की कहानी क्या है ब्लड ग्रुप के पीछे की कहानी है कि हमारे पास होते थे आरबीसी हमारे पास क्या होते थे मेरे बच्चों हाँ जी मेरे पास क्या है आर बी सी तो लाल रंग के ले लेते हैं आर बी सी ये मेरे पास आर बी सी है राउंड लेती हूँ वैसे तो बाइकॉन के होते हैं ठीक है इन आर बी सी के ऊपर बैठा होता है एक एंटीजन इस एंटीजन का नाम होता है एच एंटीजन क्यों बैठा है एच इस एच के ऊपर शुगर के जुड़ने की जगह होती है जो शुगर जुड़ेगी वैसा ही हमारा एच कन्वर्ट हो जाएगा मान लो इस एच के साथ शुगर आती है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन कौन लेके आया भाई इसको लेके आया एक एंजाइम, इसको लेके आया एक एंजाइम, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफर गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफर याद करना है जब बेटा जी इस एंजाइम ने इस शुगर को इस आरबीसी के ऊपर डाल दिया तो भाई मेरा जो आरबीसी है इसका एच एंटीजन कन्वर्ट होके क्या बना लिया ए एंटीजन तो आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन जुड़ गया ठीक है ऐसे बेटा आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन आया फिर आरबीसी के ऊपर एच बैठा था इसके ऊपर बेटा जी शुगर आई शुगर आई गैलेक्टोज शुगर

और अगर मेरे पास आई ए और आई बी दोनों हो जाएंगे तो भाई मेरे आरबीसी के पास ये देखो आई आई दोनों हो गए तो मेरे आरबीसी के पास एंटीजन भी है मेरे RBC के पास B antigen भी है, दिस इज हाउ ब्लड ग्रुप की कहानी यही है ब्लड ग्रुप की कहानी ये देखो एक जीन के एक जीन के मल्टीपल एलील ये जो एलील है अगर इसपे शुगर नहीं जुड़ी तो भाई वो ब्लड ग्रुप आ जाएगा अगर अलग अलग शुगर मान लो शुगर जुड़ गई तो बी वाला आ जाएगा गैलेक्टोन गैलेक्टोन जुड़ गई तो ए दोनों तो जुड़ गई तो ए बी ठीक है को हो गया तो बी फिनोटाइप दिस इज को डॉमिनेस ठीक है मेरे बच्चों क्लियर हो गया थैंक यू गाइज कैन योर किड्स वुड बी वेरी इंटेलिजेंट यस बेटा इंटेलिजेंस इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन पॉलीजीन्स आने वाले हैं आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं अगर तुम बेटा इन्वायरमेंटल इन्फेक्ट से अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाओ हैं क्योंकि जो पॉलीजेनिक होती है ना उस पर का भी रोल होता है बादाम खाओ अखरोट खाओ और अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाओ ठीक हाँ

तुमने उस पर काम नहीं किया तुमने बादाम दूध अखरोट कुछ नहीं खाया इस वजह से तुम न लायक हो पेरेंट्स का कोई दोष नहीं है ठीक है पेरेंट्स का कोई दोष नहीं है चलो तो ये बात हो गई मेरी को डॉमीपल एलिज्म ये वाला समझ आ गया मेरे बच्चों ये वाला एक बार ही बता दो फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट आने वाली हूँ समझ आ गया अच्छा अब वैसे तो मैं तुम्हें एक चीज बताने वाली हूँ तुम्हें ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर ए ए बी ओ ऑप्शन नंबर बी ए बी यस बताओ इन दोनों में से इन दोनों में से को डोमिन का एग्जाम्पल क्या दोनों है या एक है क्या दोनों है या एक है बताओ बताइए को डोमिनंस का एग्जाम्पल कौन सा है इज इट ए बी ओ और ए बी अगर मुझे बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा तो बेटा जी आई विल सेलेक्ट दिस एज द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस को डोमिनंस का एग्जाम्पल ये है

एच बी एंड एच बी एस जब होते हैं तो वो को डोमिनेंट होते हैं रोन कोट कलर इन कैटल रोन कोट इन कैटल इन कैटल ये सब बेटा जी को डोमिनेंस के ही एग्जाम्पल्स हैं क्लियर चलिए जो एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया जो एक्स्ट्रा था वो मैंने आपको बता दिया चलिए चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डाई हाइब्रिड क्रॉस किसने बनाया हुआ है बेटा आप मेरा YouTube पे जाके देखें और डालें हाउ टू क्रैक नीट इन वन ईयर उसमें मैंने one year, अच्छा आपका तो टू ईयर है ना हाउ टू क्रैक इन टू ईयर आपको मिल जाएगा 2026 मत लिखो बट टू ईयर के लिए जो मैंने पहले बताया हुआ है वो अभी भी सेम रहेगा चलिए शुरू करते हैं बेटा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स यानी कि मेंडल ने जो सात कैरेक्टर दिए थे उसमें से कोई दो उठा लो दो मैं कौन से उठा रही हूँ जो मेंडल उठा रहे हैं सीड शेप और सीड कलर सीड शेप राउंड रिंकल्ड कलर येलो ग्रीन

ये जो कैपिटल आर है ये इससे भी जुड़ सकता है इससे भी जुड़ सकता है स्मॉल आर इससे भी जुड़ सकता है इससे भी जुड़ सकता है तो चार तरीके के गिट्स बन जाएंगे ये मेरे गैमिट्स बन गए इनकी क्रॉसिंग कराने के लिए हम बनाते हैं प्यूनेट स्क्वायर इस तरीके का पनेट स्क्वायर बनता है ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है खुद बनाने बैठोगे तो मिल जाएगा जब तुम ये प्यूनेट स्क्वायर बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई टोटल कितने पौधे बने चार बाय चार का बन रहा है दिमाग लगाओ टोटल कितने बने सोलह बने टोटल कितने प्लांट्स बने मिले इन सोला में से वट इज द रिजल्ट कौन कौन सी फिनोटाइप बन रही है इन सोला में से क्या रिजल्ट निकल रहा है टोटल मेरे पास फिनोटाइप टोटल मेरे पास प्लांट्स कितने बन रहे हैं सिक्सटीन बन रहे हैं चार तरीके का फिनोटाइप आएगा या तो क्या आ जाएगा राउंड येलो राउंड येलो या आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन या आ जाएगा ये देखो जो माँ बाप वाले ही हैं राउंड येलो रिंकल ग्रीन माँ बाप थे या फिर आ सकता है राउंड ग्रीन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया और आ सकता है येलो। तो माने दो या तो आ सकते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये पेरेंटल है जो मैंने ग्रीन कलर से किए ये जो कॉम्बिनेशन है ये है रिकॉम्बिनेंट तो सोलह में से कितने जब तुम काउंट करोगे तो कितने प्लांट राउंड येलो है तो तुम बोलोगे नौ

हां जी नंबर ऑफ रिकॉमिनेट्स यस कौन बता रहा है कौन बता रहा है गलत आंसर गुरुजी गलत आंसर हाँ जी नंबर ऑफ रिकॉम मैंने तुम्हें तो बोला ये दो माँ बाप जैसे हैं तो ये तो पेरेंटल है बीच के दो बीच के दो माने सिक्स आउट ऑफ सिक्सटीन सिक्स आउट ऑफ सिक्सटीन टोटल नंबर ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन नौ और एक यानी कि टेन बटे सोलह ये मेरे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है नहीं है ना और तो कुछ नहीं तो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितनी बनेगी अगर क्वेश्चन आ जाए फिनोटाइप में फीनो uh, क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितनी बनेगी तो बताओ आंसर बताइए टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितनी यस फिनोटो yes, दस नो no. दस कहा से बनेंगी टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितनी दिख रही है यार चार एक दो तीन चार इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है अगर क्लासिक मेंडेलियन क्रॉस है तो आंसर इज गोइंग टू बी आंसर इज गोइंग टू बी फोर फोर इज गोइंग टू बी द राइट right आंसर तो ये मेरी बात हो गई किसकी बात हो गई डायहाइब्रिड क्रॉस के फिनो की अगला रेशो आता है जीनोटाइपिक रेशो बड़ा औखा है यार जीनोटाइपिक रेशो कैसे निकाले जीनोटाइपिक रेशो कितने बच्चों को फोक लाइन मेथड आता है जब हम जीनोटाइपिक रेशो निकालते हैं तो कांटा मेथड को फॉलो करते हैं फोक लाइन मेथड इसमें हम इमेजिन करते हैं इंडिविजुअल को मोनोहाइब्रिड में देखो मानो कैपिटल आर कैपिटल आर जब स्मॉल आर स्मॉल आर से क्रॉस करता है मोनोहाइब्रिड में तो भाई कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल स्मॉल 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 यही बनता है ना रेशो वन टू वन ये तो सबको पता है अगर मैं बालू कैपिटल वाई रेशो कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशो स्मॉल वाई स्मॉल वाई अगेन रेशो इज वन टू वन आपको यही करना है आपको क्या करना है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर इसको क्रॉस कर देना है किससे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई सेम नीचे उससे सेम नीचे भाई जब ये मोनोहाइब्रिड में था तो इसकी रेशियो कितनी थी वन इसकी कितनी थी टू इसकी कितनी थी one, इसकी कितनी थी वन जब ये मोनोहाइब्रिड में था इसकी थी वन इसकी थी टू इसकी थी टू और इसकी थी वन ठीक है तो अब कॉम्बिनेशन बना लो ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई

रट्टे नहीं मारने हैं क्योंकि मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल कराना है अगर आपने रट्टे मारे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल वही कर पाएगा जिसको फंडा पता है फंडा है कि मोनोहाइब्रिड उसके इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर देना है दिस इज द फंडा ठीक है जी इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर देना है तो एक बार देखो वन टू वन टू फोर टू वन टू वन सबका यही आया बेटा एक्स्ट्रा स्लाइड सुपर नोट्स में आएंगी ये ये जो मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ मैं जब आपको भेजूंगी सुपर नोट्स तो उसमें डाल के भेजूंगी एक्स्ट्रा स्लाइड्स डोंट वरी जो एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया हुआ कि कैसे निकाला है मैंने आपको निकाल के दिखाया क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आएगा तो आई विल सेंड इट विद सुपर नोट्स डोंट वरी सब कुछ जाएगा आप टेंशन मत लीजिए आप बस इस पर फोकस करिए कि क्या आपको ये समझ आया कि मैंने कैसे निकाला क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन आने वाला है ठीक है तो टोटल निकालेंगे तो मेरी जीनोटाइपिक रेशो आती है वन टू वन टू फोर टू वन टू वन टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितनी है वन टू वन टू फोर टू वन टू वन नो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितनी है नाइन ठीक है जी वैसे अगर तुम जीनोटाइप या फिनो को देखो जीनो या फिनो को देखो बेसिकली दे आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोहाइब्रिड एग्जाम्पल के तौर पर बताऊ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊ फिनोटिपिक रेशो को लेते हो बताओ मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशो कितनी है मोनोहाइब्रिड की कितनी है थ्री रेशो वन इंटू थ्री जब तुम इनको मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा आंसर नाइन थ्री थ्री वन ही आता है हाँ जीनोटिपिक रेशो डाई हाइब्रिड की देखो तो मल्टीप्लाई मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लाई मोनोहाइब्रिड दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दो हाँ जी कैसे होगा कैसे होगा वन टू वन मल्टीप्लाई आंसर आंसर आ जाएगा 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. बेटा जब करके देखोगे यही आंसर आएगा तो कुछ नहीं है दो इब्रिड का है दो का क्या है मल्टीप्लीकेशन है दो मोनोहाइब्रिड का मल्टीप्लीकेशन है क्लियर है मेरे बच्चों यस तो जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मैंने आपको निकालना भी सिखाया चलो अब एक फॉर्मूला कराती हूँ एंड उस फॉर्मूला के बाद आपको न्यूमेरिकल दूंगी दो चीजें बेटा आपको याद होनी चाहिए कोई अतरंगी सा आपको दे देंगे और कहेंगे कि नंबर नंबर ऑफ ऑफ निकालो तो का फॉर्मूला होता है जिसको आता है बताइए टू रेस टू पावर एन वेयर एन इज नंबर ऑफ हेटे फॉर्मूला शीट बन रही है एन इज नंबर ऑफ हेटर दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ बच्चे बताओ इनके कितने होंगे नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रजनी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज गोइंग ऑन ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट एक माँ बाप का नंबर ऑफ ग्यामिट फ्रॉम पेरेंट वन मैं इस पे क्वेश्चन अभी दूंगी गैमिट फ्रॉम पेरेंट वन एंड नंबर ऑफ ग्यामिट फ्रॉम पेरेंट टू गैमिट फ्रॉम पेरेंट टू एग्जाम्पल के तौर पे करिए बताइए इसके कितने गैमिट बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल नंबर ऑफ गैमिट बताओ नंबर ऑफ गैमिट बताइए हाँ बताओ बताओ ऊपर बताया तो भी बताओगे मैं नहीं बताऊंगी अब यस yes. कितने आएंगे नंबर ऑफ गैमिट आंसर टू रेस्ट पावर एन इज़ नंबर ऑफ़ शादी कर दो इससे शादी करो बेटा बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल ई बताओ इससे शादी करी जब इस पेरेंट ने इस अतरंगी पेरेंट से शादी करी दोनों को प्यार हो गया अतरंगी वंगी लव इज ब्लाइंड लव इज ब्लाइंड वो नहीं देख रहा सामने वाले का जीनोटाइप कितना कॉम्प्लेक्स है लव तो ब्लाइंड है अंधा है प्यार प्यार अंधा है तो बच्चे कितने होंगे भाई प्यार तो अंधा है लेकिन बच्चे तो होंगे बताओ इन दोनों के कितने बच्चे होंगे नंबर ऑफ किड्स नंबर ऑफ किड्स बताएं कितने बच्चे होंगे प्यार तो अंधा है बेटा बच्चे तो होंगे नंबर ऑफ किड्स आधा सवाल मैं कर चुकी हूं कितने आ रहे हैं 128 बच्चे oh really 128 बच्चे? होंगे। गॉड, रियली बच्चों, मुझे करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो बच्चे निकालने के लिए जब अतरंगी पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे निकालने के लिए मुझे दोनों के uh, yes, बनाने हैं। क्योंकि को करना है तो इधर तो एट निकाल लिया था इधर गैमिट कितने एक हेट्रोजायर दो तीन चार चार बने ना अरे टू पावर एन दैट इज टू पावर फोर टू टूर फोर फोर टूर एट एट टूर सिक्सटीन सिक्सटीन ठीक है तो यहाँ आ जाएगा सिक्सटीन सोलह ही आया ना ठीक अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिक्सटीन एट हजार कितना होता है यार सिक्सटीन का टेबल तो मुझे नहीं आता यार कितना होता वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट विल बी द राइट आंसर सिक्सटीन का टेबल किसको आता था ओके okay. तुम्हें आता था वेरी गुड वन ट्वेंटी एट वॉज द राइट आंसर ऐसा सवाल आपको आ सकता है दूसरा सवाल बेटा जी जो मैंने अभी वाला मेथड कराया था उस पर आपको बोल रही हूँ बिल्कुल मेंडेलियन क्रॉस राउंड येलो, राउंड येलो करो मेरी क्लास में साढ़े सात बजे प्रैक्टिस क्लास भी है उसमें भी ऐसे सवाल आएंगे हाँ जी राउंड येलो क्रॉस्ड विद रिंकल्ड ग्रीन आपको निकालना है एफ टू जेनरेशन में यू हैव टू फाइंड आउट एफ टू जेनरेशन में इंडिविजुअल विच इजेगस हाँ जी मेरे बच्चों बताओ कितने इंडिविजुअल होंगे जो कि हेट्रोजाइगस होंगे बोथ ट्रेड्स के लिए करने बैठोगे तो लग जाएंगे वरे जो टेक्निक नहीं लगाएगा वो बच्चा इस क्वेश्चन में दस से पंद्रह मिनट भी लगा देगा तो भी सॉल्व नहीं होगा और जिस बच्चे ने टेक्निक लगा दी उसका एक मिनट में सॉल्व है फॉर यस। क्या लगता है क्या आंसर है बताइए। क्या आंसर है

फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स इफ टोटल सीड्स आर थाउजेंड बताओ क्या आंसर आएगा आ रही है हर्षा जी आ रही है आ रही है करना है कराया हुआ मैंने प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में ऐड हो जाता है ना आएंगे अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हजार हैं तो भाई पहले मान लेते हैं कि टोटल नंबर सोलह ही है अगर सोलह है तो सिंपल निकालते हैं कैपिटल कैपिटल आंसर आ जाएगा यानी कि चार है अगर टोटल सोलह प्लांट है तो हेट्रोजाइग चार थे सोलह ही है ना यूनिट स्क्वायर में फोर बाय फोर के लेकिन अगर हजार प्लांट है तो फोर बाय इन टू थाउजेंड ये आ जाएगा फोर ये आ जाएगा आपका टू फिफ्टी गोइंग टू बी द राइट आंसर यूनिटरी मेथड लगाना था यूनिटरी मेथड लगाना तो आपको चाहे टोटल नंबर ऑफ सीट हजार दे दें दस हजार दे दें पांच हजार दे दे आप सोलह के लिए तो आंसर निकाल लेंगे क्योंकि डाई हाइब्रिड सोलह के लिए काम करता है सोलह के लिए निकाल लिया तो यूनिटरी मेथड से टोटल नंबर कितना भी दे दे आप आंसर निकाल लेंगे यस yes, मेरे बच्चों क्लियर हो गया क्लियर हो गया क्लियर जिस जिसको क्लियर हो गया सेशन को लाइक कर दो

ये कहता है कि डाई हाइब्रिड में तुमने दो कैरेक्टर लिए एक सीड शेप लिया एक सीड कलर लिया वो दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सीड 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 कलर कलर नहीं नहीं देख रहा रहा है 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 कि शेप क्या आ रहा है। कलर को को कोई फर्क कैपिटल के सामने कैपिटल वाई है स्मॉल है वो किसी से भी जुड़ जाएगा स्मॉल आर को कोई फर्क नहीं है सामने कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है किसी से भी जुड़ जाएगा यानी कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस जब दो कैरेक्टर एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे की इनहेरिटेंस पे इंटरफेयर नहीं करते हैं उनका जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे के segregation से। माने साथ में होते हुए भी वो अलग अलग बेटा मैं आपको बताऊं? एक लड़का और लड़की उनकी शादी करते हैं चलो लड़का जो है वो आई एस ऑफिसर है लेते हैं इमेजिनेशन है बेटा कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं लड़की जो है वो डॉक्टर है ठीक है लड़का आई ऑफिसर है लड़की क्या है डॉक्टर है शादी से पहले बेटा लड़का आईएस ऑफिसर की नौकरी करता था लड़की डॉक्टर की नौकरी करती थी करती थी कोई दिक्कत नहीं था अलग अलग मामला चल रहा था अब बेटा जी शादी हो गई क्या शादी के बाद लड़का आईएस की नौकरी और लड़की डॉक्टरे की नौकरी छोड़ के दोनों बिजनेस खोल लेंगे क्या बताओ दोनों इंजीनियर बन जाएंगे क्या बताओ दुकान खोल लेंगे दोनों नहीं ना शादी हुई साथ आए लेकिन क्या साथ आने से उनका इंडिविजुअल कैरेक्टर खत्म हो गया नहीं साथ आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा लड़का आज भी आई की नौकरी करता है लड़की आज भी डॉक्टरी करती है वही है ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहता है कि जब मैं दो कैरेक्टर लेता हूँ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी के साथ हूं या नहीं हूं मैं तो अपने मोनोहाइब्रिड की तरह बिहेव करूंगा प्रूव करके दिखा दू प्रूव करके दिखा दू अगर मैंने प्रूव कर दिया तो बताओ क्या करोगे तो चैट सेक्शन में एक ऐसी इमोजी भेजोगे जो मैंने आज तक नहीं देखी है अगर मैंने प्रूव कर दिया तो तो मेंडल वाले कैरेक्टर लेते हैं एक लेते हैं सीड शेप दूसरा क्या लेते हैं सीड कलर सीड कलर सीड शेप या तो राउंड होगी या फिर क्या होगी रिंकल्ड होगी ठीक है जी सीड कलर बेटा जी क्या होगा या तो येलो होगा या फिर क्या होगा ग्रीन होगा ठीक है मेरे बच्चों अच्छा जब तुमने नाइन थ्री थ्री वन किया था 9, 3, 3, किया था तो भाई राउंड कितने थे इसमें से बताओ एक तो ये वाला राउंड था और एक एक ये वाला राउंड था देख लो जाके कितने कितने थे थे बटे बटे और यानी कि ठीक चलो येलो कितने थे ये वाला येलो प्लांट था और ये वाला येलो था यानी कि नाइन प्लस थ्री बटे सोलह ग्रीन कितने थे थ्री और वन थ्री प्लस वन बटे सोलह इतना क्लियर हो गया ये इन्फॉर्मेशन नाइन प्लस थ्री वाले मैंने कहा से लिए यहाँ से लिए

इनका इंडिविजुअल रेशियो तो मोनोहाइब्रिड जैसा ही आया आई की नौकरी आईएस ही कर रहा है लड़की डॉक्टरी है तो डॉक्टरी यही काम करती है इसने काम धंधा छोड़ के कुछ और नहीं किया दोनों ने एक दूसरे के काम धंधे में इंटरफेयर नहीं किया दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट यस मेरे बच्चों समझ आ गया ये कैसी मुझे भेजे हो ये क्या ट्रक भे, ट्रॉली भेज दे ट्रॉली देखी हुई है बेटा मैंने ट्रॉली देखी हुई है हां जी हर्षा जी क्या यार तुम लोग सिलेबस के पीछे पड़े हुए हो तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन हाफ पार्ट का मतलब है कि अपन लोग यहाँ तक कर चुके हैं जिसमें से तीन सवाल आने हैं ये देखो यहाँ तक मैंने तुम्हें करा दिया दिस 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 अब ये वाला पार्ट अपन लोग करने वाले हैं रेडी टू डू दिस पार्ट रेडी टू डू दिस पार्ट क्रोमोजोमल थ्योरी से पहले अच्छा आगे आएगा चलो क्रोमोजोमल थ्योरी करते हैं व्हाट इज क्रोमोजोमल थ्योरी देखिए क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है देयर इज पैरेललिज्म बिटवीन जैसे क्रोमोजोम जाएंगे वैसे ही उसके ऊपर जीन जाएगा ये क्रोमोजोमल थ्योरी किसने दी थी सटन एंड एंडराई ने दी थी कब दी थी 1902 में दी थी ये डेट्स ये साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अगला आधा घंटा बेटा इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं क्रोमोजोमल थ्योरी मैं बेटा जी लिंकेज समझाने वाली हूँ और लिंकेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराने वाली हूँ फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लीओट्रॉपी समझाऊंगी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराऊंगी तो नेक्स्ट हाफ एन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके जहां भी दिमाग के घोड़े काम कर रहे हैं ना बस हो गई इमोजी यहां पर ले आइए ये पटा लगा के घुमा करिए कि सिर्फ फोकस मेरा किस पे है लेक्चर पे है क्योंकि डिटेल लेक्चर है ये लेकिन वन शॉट है ठीक है मेरे बच्चों तो क्रोमोसोमल थ्योरी करें क्रोमोजोमल थ्योरी करें जो बच्चा फॉर्मुला शीट बनाएगा उसको शाउट आउट मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं डीपीपी भी शेयर करूंगी सीजा बायोलॉजी ऑफिशियल और साढ़े सात बजे वाली क्लास में पिन करा देती हूँ पहुंच जाना उसमें अभी दो घंटे पढ़े हैं साढ़े सात बजे वाली क्लास पिन करा दू पिन करा देती हूँ साढ़े सात बजे टेस्ट है इसका ठीक मेरे बच्चा

छपैक छपैक मैंने ग्रीन क्या कह रहे टॉल प्लांट लिया डॉप से क्रॉस किया अरे टॉल आ गया पानी में गया छपैक है ना मैंने बेटा फिर येलो प्लांट लिया उसको ग्रीन से क्रॉस किया येलो प्लांट आ गया पानी में गया छपैक जब मैंने राउंड और येलो एक साथ लिया तो भी बेटा क्या हो गया वो छपैक तो अगर मेंडल के पास इंटरनेट होता तो मेंडल इसको छपैक छपैक करके यहाँ पर कर रहे होते ठीक है जी तो के पास इंटरनेट नहीं था वो वो बता ही नहीं नहीं पा रहे थे कि चपैक हो गया है, भाई इतना बड़ा आ, मेरे पास जीनो रेशो, रेशो आ चुकी है। तो चपैक चपैक कर पाए। मेंडल को ये सब आता नहीं था और तब इंस्टाग्राम इन, था नहीं मार्क जगह पता नहीं पैदा भी नहीं हुए थे तब तो इस वजह से बेटा मेंडल का काम किसी को पैंतीस साल तक पता नहीं चला दूसरा रीजन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एंड प्योर ऑफ अलील कि आपस में ब्लेंड नहीं करते ये उनके किसी दोस्त को समझ ही नहीं आ रहा था सारे रहे क्या हो रही है। कि ब्लेंड नहीं, नहीं बनाए वो स्टॉल ही बनेगा लेकिन किसी को समझ नहीं आई मेंडल ने मैथ यूज किया थोड़े स्मार्ट थे लेकिन उनके साथ वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया कह रहे बायोलॉजिस्ट होके तुम मैथ यूज कर रहे हो दिमाग सटक गया तुम्हारा तो वो उन्होंने किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने लगा ये सब फालतू है इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है मेंडल बेटा जी अपनी किसी फैक्टर्स का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहे थे दैट दे आर द डिस्क्रीट यूनिट्स तो इस वजह से बेटा जी मेंडल का काम जो है वो अनरिकोग्नाइज चला गया अब आया पैतीस साल बाद फरिश्ते आए मेंडल की तो डेथ हो गई थी फिर उसके बाद फरिश्ते आए नाइनटीन हंड्रेड है ना एटी एटी फोर में तकरीबन मेंडल की डेथ हो गई थी लेकिन कई बार होता है ना बेटा आपको रिकॉग्निशन मिलती है बट काफी लेट मिलती है

Flora में मेंडल के पेपर को पब्लिश किया तो याद रहेगा एंड डीवरी मार्क ठीक है जी और फिर 1902 में एक्सप्लेन किया सटन एंड बोवराइ ने कि क्रोमोजोम का मूवमेंट जो जो मियोसिस के दौरान होता है ना वो मेंडल के लॉ के हिसाब से होता है दिखा दू ये बेटा जी तुम्हें बड़ा टफ लगता होगा बताओ ये डायग्राम किसको टफ लगता है पेपर में एनसीआरटीए बन, में बना हुआ है लेकिन डायग्राम एज इट इज आ सकता है

ये है कैपिटल आर ये स्मॉल वाई एंड स्मोल ठीक है यस, yes? चलिए, के बाद आया S. S में तुमको पता है एक धागे वाला एक धागे वाला क्रोमोसोम दो धागे वाला हो जाता है तो जी वन के बाद ऐसा आया एस के बाद क्रोमोसोम ऐसे हो गया तो दो धागे वाले हो गए ये देखो दो धागे वाले यानी कि ये हैं कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर

ऑरेंज ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे येलो रेड के साथ लाल वाला हरे की जगह आ गया हरे वाला लाल की जगह आ गया यही हुआ ये देखो, पहले यहाँ पर हरा था अब हरा इधर हो गया पहले यहाँ पर लाल था अब लाल यहां पर हो गया यानी कि अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल वाई और स्मॉल आर का बनेगा एंड स्मॉल और

वैसे वैसे ही उसके ऊपर बैठे जीन भी सेग्रीगेट होंगे यही तो सीधी सी बात है कि क्रोमोजोम का जो बिहेवियर है वो जीन के बिहेवियर से पैरेलल है क्योंकि जीन जीन के ऊपर ही तो है, है कि नहीं मेरे बच्चों जीन जो है वो क्रोमोजोम के ऊपर ही बैठे हैं तो जैसे जैसे क्रोमोजोम जाएंगे वैसे वैसे उन पे बैठे जीन जाएंगे दिस इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिस इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने बोला कि जो क्रोमोजोम है उनके सेग्रीगेशन से जीन्स सेग्रीगेट होते हैं क्योंकि बेटा के ऊपर ही जीन्स बैठे हैं तो जैस एक तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन की नॉलेज साथ मेंडेलियन प्रिंसिपल की नॉलेज एंड दोनों को मिलाकर क्या दी थी यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ गए इज पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन एज बिहेवियर ऑफ Chromosome. क्योंकि आर प्रेजेंट ऑन अगर chromosome पेर में, तो में तो 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 बातें बाते तो बेटा मैं भी बहुत कर लेती हूँ लेकिन प्रूव करके बताओ ये तो है बातें बातों से किसका पेट भरा है जब तक प्रूफ नहीं आता प्रूफ करके दिखाओ किसने प्रूफ किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस

बेटा भैया प्रूफ करना पड़ता है ऐसे नहीं होता है मैं बोल उदू मैं अच्छी टीचर हूं लेकिन मेरे से पढ़ने से बच्चों के सवाल ही निकल रहे मैं कह की अच्छी टीचर हूं फिर मैं अच्छी नहीं हूं मुझे प्रूफ करना पड़ेगा एंड प्रूफ आज आप खुद देखेंगे जब आप आज सवाल देखेंगे जब आप एक एक सवाल कर पाएंगे ठीक है चलो मेरे बच्चों प्रूफ करने के लिए कौन आए मॉर्गन साहब इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स फादर ऑफ एक्सपेरीमेंटल

Of genetics, क्योंकि इस पे करने पे में कर लेता था आजकल तो सारे नाइनटी फाइव परसेंट एक्सपेरिमेंट तो माइस पे ही करते है क्यों उसने इसी मक्खी को चूज किया क्योंकि बेटा मल्टीपल रीजन है सारे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पहला रीजन ये है कि इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है महंगी नहीं है बेटा इसको ग्रो करने के लिए लाखों रुपए नहीं लगेंगे बाजार रुपए से बाजार में से तीस रुपए के एक दर्जन केले लाएंगे तीस रुपए में केले रखेंगे केलों को सड़ने देंगे केलों को सड़ने देंगे तो केलों के ऊपर ये मक्खी भिन भिनाते आ जाएंगे सिंपल तीस रुपए में काम हो गया इजी टू ग्रो है ना बेचा जब केले सस्ते हो जाएंगे तो दर्जन क्या मैं दो ही केले ले उससे मेरा हो जाएगा भैया को बोलूंगी दस रुपए ले लो दो केले ले आओ दो केले ले आओ उसे थोड़ा सा खोल के रख दो बस हो गया और तुम कहीं भी ग्रो कर सकते हो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बड़ा रूम वगैरह तैयार करना पड़ेगा इसके लिए लैब में लेके आए केला थोड़ा सा खोला सड़े हुए केले लाए भैया को बोलेंगे बेटा वो भैया वो केले दो जो कोई नहीं खरीदता तो बिल्कुल जो गल चुके हैं केले वो केले लाएंगे उन पर भिन भिनाती मक्खी आएगी बैठेगी इजी टू ग्रो तो हो गया तो एक तो इस वजह से उसने पैसों के हिसाब से देखा सस्ता कहां से हो रहा है easy to grow. दूसरा बेटा इसमें मेल और फीमेल आसानी से पहचाना नहीं है। फीमेल बड़ी होती है ऐसा आपने पूरी बायो में कहीं और भी देखा है जहां मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है बताओ तो नॉलेज चेक करू ऐसा आपने कहीं और भी देखा है हाँ पूरी बायो में फुल बायो की बात हो रही है बत्तीस के बत्तीस चैप्टर में और वो सिलेबस में है जहां मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है बताओ कहा no, no. ये कौन बची है श्रीजनी श्रीजनी गेव द राइट आंसर दैट इज एस्कैरिस राउंड वर्म्स एस्कैरिस में मेल छोटा होता है फीमेल लंबी होती है मेल कर्व्ड होता है फीमेल स्ट्रेट होती है चलो एनीवे anyway, याद कराना था करा दिया अच्छा और क्या रीजंस है और क्या रीजंस है कि मेंडल ने यही यूज किया मॉर्गन uh, ने यही यूज किया <coughs> एक बारी मेटिंग करती है तो बहुत सारे प्रॉजिनी बनते हैं दो हफ्ते में बेचारी का लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है तो बच्चे बहुत बनते हैं बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशन है और जो तुम लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हो लो पावर बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हो और बेटा जी इसको टेम्परेली इथर सुंघा के इनएक्टिवेट भी किया जा सकता है बेहोश कर देते हैं बेटा आसानी से बेहोशी बेहोश हो जाती है एक मिनट मैं तार लेके आती हूँ यार इसको चार्ज करने की जस्ट सेकंड सामने पड़ी है आसानी से बेटा जी बेहोश किया जा सकता है सोचो बेहोशी के बारे में सोच रहे हैं अरे यार सॉकेट ही नहीं बच इतना लाइट चल रहा है कि कोई सॉकेट नहीं बचा है कि किससे करें हाँ जी इनको आसानी से बेहोश किया जा सकता है टेम्परेली ईथर से और इनकी ब्रीडिंग में कोई पैसे नहीं लगते हैं दस रुपए के केलों से भी इनका ब्रीडिंग हो जाता है दिस इज द रीजन वाई मेंडल वाई मॉर्गन सिलेक्टेड रॉसोपेला और इन्होंने बेटा जी टू एंडल टू वेट था तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं थी दूसरी चीज बेटा जी इसमें जो मेल्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं फीमेल जो होती है वो एक्सएक्स होती है यानी कि हेट्रोमॉर्फिक है अलग अलग तरीके के गैमिट्स मेल जो है वो हेट्रोमॉर्फिक है अच्छा अब ये जो थॉमस हंट मॉर्गन थे टी एच मॉर्गन इन्होंने ही एक टर्म दिया जिसका नाम है लिंकेज इन्होंने ही एक टर्म दिया जिसका नाम है रिकॉर्न हिस्ट्री टू स्टडी वॉट इज लिंकेज मैं आपको समझा लिंकेज कहता है कि यार जो चीज एक ही क्रोमोजोम पर बैठे हैं उनकी कोशिश है कि हम लोग एक साथ रहें अब ए बी सी डी एक ही क्रोमोजोम पर बैठे हैं इनकी कोशिश है फिजिकल एसोसिएशन है ना बेटा अब एक ही घर में रहने वाले मम्मी पापा बच्चा बच्ची दादा दादी उनकी कोशिश होगी ना हम एक साथ रहें क्या वो कभी चाहेंगे कोई घर छोड़ के जाए

क्यों बेटा जी दूर दूर रहते हैं कई बार बोल तो अलग दो केस में हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर बैठा है ये ई ठीक है ये दोनों आपस में अल अलग अलग है सी और डी ये तो अनलिंक्ड है ये तो अलग अलग क्रोमोसोम पे इनको बोलेंगे अनलिंक्ड कोई दिक्कत नहीं हो सकता है बेटा ये जो ज्यादा नजदीक होते हैं ना इनमें दोस्ती यारी ज्यादा होती है जो दूर दूर के हैं ये ए और डी ये दूर के रिश्तेदार हैं इनमें दोस्ती यारी कम कई तो बार तो ये तो 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 अलग कैसे होंगे ये ए और डी डीस जिसको अपन लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर यानी कि रिकॉम्बिनेशन करके दूर वाले जो हैं जो कि सेम क्रोमोसोम पे हैं वो अलग हो सकते हैं जिससे नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दैट इज नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी जो आपको इम्पोर्टेंट है याद करना है लिंकेज में ध्यान देंगे हाँ ज गिंकेज फिशनो इतना बड़ा क्रोमोजोम है जो ये दूर दूर बैठे हैं ठीक है जी क्रॉस ज्यादा होगा तो इनकी मित्रता कम गहरी होगी जो तो नजदीक बैठा है उसमें क्रॉस ओवर नहीं होगा इनकी मित्रता ज्यादा गहरी है

पच्चीस परसेंट बराबर बने दूसरा क्या हो सकता है कंप्लीट लिंकेज एंड टाइट लिंकेज टाइट लिंकेज का मतलब है भाई क्रोम जो है वो बड़े नजदीक बैठे हैं नजदीक माने यहाँ और यहाँ अगर टाइट लिंकेज है तो दो तरीके यानी कि कैपिटल कैपिटल कहेगा मैं आर के साथ ही जाऊंगा तीसरा तीसरा केस हो सकता है कि भाई मेरे पास जीन है लेकिन वो दूर दूर है ठीक नहीं दूर 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 है तो क्रॉस ओवर कर सकते हैं क्रॉस ओवर कर सकते हैं तो यहाँ भी चार तरीके के कैमिट्स बनेंगे लेकिन पच्चीस यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा? है मेरे बच्चों के ऑन लिंकेज ग्रुप वट इज लिंकेज ग्रुप लिंकेज ग्रुप इज है

ओहो, इतनी देर से मैंने माइक लगाया ही नहीं था और तुमने मुझे बताया ही नहीं बताया ही नहीं सोचो मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूं माइक दूर पड़ा है और तुमने मुझे बताया ही नहीं अटक इसलिए रही है क्योंकि माइक दूर पड़ा था ओहो कब से देख रहे थे कोई बात नहीं चलो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं हैं अब तो सुन रहा है जो बताया वो समझ आ गया ना चलो तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो बता दिया टेल मी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप फॉर्म फॉर्म और ओवा में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे बताओ फॉर्म और ओवा में लिंकेज ग्रुप बताइए हां जी फॉर्म और ओवा में लिंकेज ग्रुप बताइए

मॉर्गन तो ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे फ्लाई पे. बोलते हैं उसमें उसने तीन जीन्स लिए तीन कैरेक्टर लिए इन तीनों कैरेक्टर के जीन प्रस्तुत है किस क्रोमोजोम पे एक्स पे एक्स पे बैठे थे ठीक है जी एक्स पे बैठे थे जो ड्रोसोफिला का मेल होता है वो होता है एक्स वाई और जो ड्रॉस ऑफ इलाका फीमेल की तरह है वो फीमेल में तो दोनों क्रोमोजोम एक थे, थे? बॉडी कलर आई कलर विंग साइज ये याद करना है वैसे तो बेटा इसमें पास्ट पे क्वेश्चन आया है इस पे नहीं आया बट एंटी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल किसी भी साल इस पे सवाल आ सकता है अगला दस मिनट प्लीज स्क्रीन को देखो स्क्रीन को देखोगे तुम्हें एक एक पॉइंट समझ आएगा स्क्रीन को नहीं देखोगे आपस में बतियाते रहोगे मम्मी से बातें करोगे मैगी बनाने में लग जाओगे तो नहीं हो पाएगा हां जी मेरे बच्चों आ जाओ क्या अनसेट में आया था चलो बढ़िया है अब मैं तुम्हें डायग्राम समझाने वाली वाले सीधा मैं क्रॉस करूंगी नहीं मैंने डिटेल में क्रॉस बहुत बारी करके दिखाया बच्चों को बट आज मैं तुम्हें डायरेक्ट डायग्राम से समझा दूंगी वो भी आ जाएगा तो बॉडी कलर यार डोमिनेंट बॉडी कलर इज ब्राउन येलो आई कलर रेड व्हाइट ये डोमिनेंट रिसेसिव नॉर्मल एंड मिनिएचर विंग यहाँ मेंडल के हिसाब से सिंबलाइजेशन नहीं होता है यहां पर जो सिंबल यूज होता है अल्फाबेट यूज होता है और डोमिनेंट के लिए ऊपर बस प्लस लगा देते हैं ठीक है प्लस लगा देते हैं तो यहाँ येलो का वाई वाइट का डब्ल्यू मिनिएचर का एम और डोमिनेंट बताना है तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, प्लस एम प्लस जितना भी क्रॉस मॉर्गन ने किया वो सारा क्रॉस में फीमेल उसने रिसेसिव लिया मेल डोमिनेंट लिया ये चीज याद रखना है

पहला जो उसने क्रॉस किया वो किया बॉडी कलर और आई कलर में तीन क्रॉस किए थे टोटल पहला क्रॉस किया इन दोनों के बीच में दूसरा क्रॉस किया बट एक तीसरा भी किया था बॉडी कलर और विंग साइज के बीच में एनसीईआरटी में दो ही बने हुए इन दोनों का और इन दोनों का ए और बी तो हम भी ये दो ही देखेंगे फीमेल कैसी लेनी है बच्चों फीमेल लेनी है रिसेसिव और मेल कैसा लेना है डोमिनेंट चलो आ जाओ पहला क्रॉस पहला क्रॉस किया था बॉडी कलर और आई कलर के बीच में यहीं से समझा रही हूँ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सब बना हुआ है तुम डायग्राम समझो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है हां जी तो पहले इसने ली फीमेल ये है मेल मैंने बोला फीमेल लेनी है रिसेसिव मेल लेना है डोमिनेंट फीमेल के अंदर देखो एक्स वाले जीन ले रहे हैं तो एक्स वाई और एक्स एक्स ही लिखेंगे ना फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है मेल के अंदर एक्स वाई होता है ठीक है अगर मेरी फीमेल रिसेसिव है तो वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू आएगा क्लियर हाँ जी प्लस वाला आ ही नहीं सकता क्योंकि रिसेसिव फीमेल ले रहे हैं अगर मैं कह रही हूँ मुझे मेल जो है लेना है है वो डोमिनेंट लेना तो y पे तो पे कोई जीन नहीं है। X के ऊपर प्लस प्लस माता पिता क्लियर हो गए मक्खी के माता पिता क्लियर हो गए चलिए अब एफ वन बना दीजिए एफ वन में सिंपली क्या होगा ध्यान देना ये वाला इससे जुड़ के फीमेल बना लेगा एक्स एक्स जुड़ के फीमेल बना लेगा ये देखो वाई डब्ल्यू एंड y प्लस w प्लस बन गया वाइल्ड टाइप फीमेल बन गई क्लियर ये वाला इससे जुड़ के मेल भी बना लेगा y w एंड x y ठीक है ये x x हो जाएगा ये x y हो जाएगा यानी कि अभी तक मेरा माता-पिता में फीमेल जो थी वो मेरी रिसेसिव फीमेल थी अब मेरा मेल रिसेसिव हो गया है कैन यू सी मेल बच्चे में रिसेसिव हो गया है पहले जो पिताजी थे वो डोमिनेंट थे अब जो लड़का आया है लड़की आई है वो डोमिनेंट हो गई है उल्टा हो गया पहले लड़की रिसेसिव थी अब लड़का रिसेसिव हो गया है पहले लड़का डोमिनेंट था अब लड़की डोमिनेंट हो गई है ठीक बनाकर देखोगे बिल्कुल सेम आएगा आगे आ जाइए अब करते हैं एफ टू असली झोल तो एफ टू में आता है एफ टू में पहले बस मैं ये चार बताऊंगी ध्यान देना बेटा ये वाला इससे क्रॉस करेगा ये वाला फीमेल इससे क्रॉस करेगा ध्यान देना दिस एक्स कैन जॉइन विद दिस एक्स ध्यान दो मैं वन बाय वन बना रही हूं इससे yes. भी जुड़ सकता है हाँ बन गया नंबर टू डायग्राम समझिए मेरे प्लीज पेन को फोकस करिए पहले मैंने इस वाले एक्स को इससे जोड़ा ठीक है ये नंबर वन बनाया फिर मैंने इस वाले एक्स को इससे जोड़ा

ये वाई इसके साथ भी जुड़ सकता है ये डब्ल्यू इसके साथ भी जुड़ सकता है तो क्रॉस ओवर अगर हो गया तो वाई डब्ल्यू प्लस हो जाएगा एंड वाई प्लस डब्ल्यू हो जाएगा मैंने यही लिखा है मैंने बेटा जी यही लिखा है तो ये कॉम्बिनेशन अब यहां पर ये वाला बना लो यस yes, बना लीजिए फटाफट दिस एक्स कैन ज्वाइन विद दिस वन बताइए क्या ये वाई प्लस डब्ल्यू वाला एक्स वाई डब्ल्यू से जुड़ सकता है ये देखिए ये बन गया

ये जो कॉम्बिनेशन है ये नए बने हैं ये माँ बाप में नहीं थे इनको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट्स लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों में वन पॉइंट थ्री परसेंट क्या है रिकॉम्बिनेंट मतलब ये टाइटली लिंक जीन है बताओ. क्या ये पैरेंटल है? बनाते हैं ज्यादा रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बनाते हैं बताओ क्या ये टाइटली लिंक्ड है या लूजली लिंक्ड है टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड बताओ वेरी गुड बेटा हाथ जम गए हैं क्या ठंड लग रही है क्या क्या ये टाइटली लिंक्ड है या लूजली लिंक्ड है अरे भाई नाइनटी एट परसेंट पेरेंट जैसा बन रहा है ये अलग नहीं होना चाहते माता पिता के साथ रहना चाहते हैं भाई ये क्या है टाइटली लिंक्ड है जबकि दूसरा जो क्रॉस किया किसके बीच में आई कलर और विंग साइज में यहां पर भी सेम टाइप का क्रॉस किया कॉम्बिनेशन बना सिक्स और रिकॉम्बिनेंट बना 37.2 भी का जो कॉम्बिनेशन है वो रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा है बट उतना ज्यादा नहीं है मतलब कंपेरिजन टू दिस दिस इज क्वाइट लूज लिंकेज इसकी लिंकेज कैसी है लूज लिंकेज यहाँ रिकॉमली क्या बन रहे हैं ज्यादा बन रहे हैं क्या मैम ये परसेंटेज याद करनी है हाँ जी मेरे बच्चों परसेंटेज याद करनी है कर लोगों तो, अच्छा तो, तो, तो अगर ये नाइन एट सेवन है तो बच्चा ओके जी इसकी ट्रिक हो गई इधर वही कोई ट्रिक है इधर बेटा जी एक सिंपल सी ट्रिक है ये जो सिक्स प्लस टू है वो जुड़ के क्या बनाता है एट अब यही तरीका होता है बेटा छोटी छोटी चीजें जैसे आप याद कर सकते जुड़ के तो दोनों ट्रिक्स आपको बता अब बेटा जी बात करते हैं स्टूडेंट की मॉर्गन जी ने तो काम किया लेकिन मॉर्गन के एक थे स्टूडेंट उस स्टूडेंट का नाम था एल्फ्रेड स्टूटे क्या नाम था एल्फ्रेड स्टूटे वॉन्ट अरे क्वेश्चन मत देख लेना क्वेश्चन है बेटा इस पे अभी आज स्टूडेंट थे बेटा जी

अगर मान लो वन परसेंट है तो वन सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है अगर थर्टी सेवन पॉइंट टू है तो थर्टी सेवन टू सेंटीमॉर्गन है कि जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है उतना ही डिस्टेंस होता है जीन के बीच में मतलब अगर कोई बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है नाइनटी एट पॉइंट वैसे पचास परसेंट से ज्यादा तो होती नहीं है तो मान लीजिए थर्टी सेवन पॉइंट टू अच्छा लिख दिया थर्टी पॉइंट वन डिस्टेंस तो बिटवीन जीन कितना आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन जीन आ जाएगा थर्टी पॉइंट वन यूनिट किसके नाम पे दिया अपने सर के नाम पे दिया सर का नाम था मॉर्गन तो यूनिट का नाम दे दिया भाई सेंटी मॉर्गन इसको में मैप यूनिट भी बोल सकते हो मैप यूनिट भी बोल सकते हो ठीक है तो जैसे तुम जब बड़े हो जाओगे रिसर्च करोगे कुछ निकालोगे इजाद करोगे इन्वेंशन करोगे तो तुम नाम दोगे ना इंस्पायर्ड सेंटिसर्ड बाई सीम सेंटिसप तो वैसे ही इसने बोल दिया मॉर्गन ठीक है जी यस इसी की मदद से हम पूरा जीनोम का मैप बना पाए हम बता पाए कि यहाँ पर ये जीन है यहाँ ये एंड यहाँ पर ये मैपिंग कर पाए एंड इसने हमें बहुत मदद की एच में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि हम कल करने वाले हैं अच्छा अब मैम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बताइए क्योंकि इस पे सवाल आ जाते हैं सिंपल सा फंडा बेटा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मुला है सबको याद रखना है फॉर्मुला शीट में ऐड कर लो नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100 दिस इज द फॉर्मूला

फिर दो रिकॉम्बिनेंट्स दिए हुए नब्बे और एक तुमसे पूछा जाए क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालिए क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इसको सीओवी भी, भी बोल सकते हैं क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो तुम क्या करोगे रिकॉम्बिनेशन को टोटल कर नाइनटी प्लस थर्टी अपॉन टोटल टोटल हजार है सबको करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आर एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी टू परसेंट और डिस्टेंस बिटवीन टू जीन क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू सेंटीमोटन एक क्वेश्चन करेंगे बेटा वुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ये मैं लिख के लेके आई आयु क्लास अगले आधे घंटे और चलेगी बस सिक्स थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव तक सेवन थर्टी अपना टेस्ट है फिर नहीं हुआ टेस्ट का रुकिए हम्म हाँ सेवेन थर्टी एटेस्ट सेवेन थर्टी सॉल करो बेटा क्या आंसर आ रहा है करा कि नहीं करा प्लांट विद जेनेटिक कंपोजिशन स्मॉल ए बी वाज क्रॉस्ड विद प्लस प्लस ठीक है क्रॉस कर दिया टोटल ऑफ्स्प्रिंग ये बने स्मॉल ए स्मॉल बी प्लस प्लस स्मॉल ए प्लस प्लस स्मॉल बी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा अभी 2022 में भी ऐसा सवाल आया था एल्फिट सूटे वॉन्ट वाले ही चीज पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है कैसे निकाल लोगे डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे आर चाहिए यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बताओ निकाला तुमने टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल ऑफ स्प्रिंग टोटल ऑफ स्प्रिंग इन टू हंड्रेड इन तो रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं भाई ये तो पेरेंटल है ये भी ए बी और प्लस प्लस ये दोनों मेरे क्या है तो में आ जाएगा टू हंड्रेड बताओ क्या आंसर आएगा नाइनटी प्लस वन थर्टी कितना हो गया ये मैंने यहां सॉल्व भी किया हुआ है ये देखो नाइनटी प्लस कितना हो जाएगा दो सौ बीस अपॉन हजार बनता है टोटल

सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपका होमवर्क है सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो दिस इज़ योर होमवर्क कॉमन गाइस दिस इज योर होमवर्क जी ये होमवर्क है इसका आंसर मैं दूंगी टेलीग्राम पर टेलीग्राम मेरे ही नाम पे है, सीप पाहुजा बच्चे है उसमें तो ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है जी सीपूजा बायोलॉजी ऑफिशियल इस पर मैं आंसर दूंगी कुछ बच्चे निकालना चाहे अभी जल्दी भी निकाल सकते हैं ज्यादा टफ नहीं है ये मैंने दिए हुए ए बी की परसेंटेज एंड चलिए anyway, ले लीजिए आ जाएगा आंसर समय समय लगेगा लगेगा थोड़ा सा समय लगेगा। ओहो चीटिंग मत कर लेना एक कॉन्सेप्ट बेटा जी आपको मुझे बताना है बट बत वो मैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे बताऊंगी तो ये हो गया हमारा ये हो गया चलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहती है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन जीन वन जीन टू जीन थ्री सब मिलके इसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेनी जीन्स कंट्रोलिंग वन सिंगल ट्रेट ठीक है दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्लासिक एग्जाम्पल इज योर स्किन कलर योर इंटेलिजेंस योर ठीक है जी आई क्यू लेवल ये सब इसकी एग्जाम्पल है ह्यूमन की हाइट ठीक है तो एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन का स्किन कलर है हाइट है तीसरा लिख रही हूं आपका आई लेवल है नो no डाउट इसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है भाई तुम्हारे जीन तुम्हें चाहे बहुत गोरे के मिले हो कि तुम बहुत गोरे हो मम्मी पापा बहुत गोरे हैं मैं भी बहुत गोरा हूँ लेकिन पूरा दिन धूप में तपोगे तो काले हो जाओगे ना टैनिंग हो जाएगी सेम वे अगर आपको बहुत अच्छे जीन्स मिले हैं आईक्यू में अपने माँ बाप से लेकिन आपने पूरी उम्र अपने इस दिमाग को कभी यूज ही नहीं किया बैठ के सिर्फ टीवी देखा कुछ नहीं किया तो भाई क्या होगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अगर आपने पूरा उम्र यही किया है तो अल्टीमेटली बेटा जी अल्टीमेटली आपकी इंटेलिजेंस धरी की धरी रह जाएगी आपके माँ बाप की इंटेलिजेंस आप में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी तो जो बेटा जी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भरोसा करते हैं ना जो मानते हैं कि मैं इंटेलिजेंट इसलिए नहीं हूं मेरे माँ बाप ने बेटा माँ बाप ने आपको जीन दिया था तुम यूज नहीं करते हो ठीक है जी चलो अब ये क्या कह रहे हैं हियर द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव इन नेचर क्या मतलब होता है दैट द इफेक्ट ऑफ ईच एडिटिव ये मैं आपको मैं स्पेशली लिख के लाई हूं दो तीन कॉन्सेप्ट बेटा जो मैंने आपको वहां भी नहीं बताए थे ना डिटेल में आज मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाली हूँ देर आर टू थ्री कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू ये हो गया ये हो गया हैव डन डन एक मैं लिख के लेके आई थी एक कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल फ्रेश है जो मैंने पहले कभी नहीं बताया है तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इसी के बाद के साथ चलो तो so, जो पॉलीजेनिक इन्हेरिटेंस ह्यूमन स्किन कलर और भी एग्जाम्पल है मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर एनवायरमेंट का भी इफेक्ट है ठीक है एनवायरमेंट का भी इफेक्ट है सबसे पहले बेटा ये कहता है कि यहाँ पर मल्टीपल जो अलील हैं हर अलील का अपना इम्पैक्ट है तो ह्यूमन स्किन कलर में ह्यूमन स्किन कलर में टोटल मेरे पास तीन अलील होते हैं कौन से होते हैं ए बी सी ठीक है A, B, जी अगर मैं इनका पेयर लेके चलूंगी तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी ठीक है क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऐसे बन सकते हैं या तो सारे डोमिनेंट या तो सारे रिसेसिव अगर सारे डोमिनेंट हो जाएंगे तो हर अलील का इतना ज्यादा इंपैक्ट आता है कि मेलेनियन बहुत ज्यादा बनता है जिसकी वजह से बेटा जी रंग बिल्कुल काला हो जाएगा निग्रो हो जाओगे अगर सारे रिसेसिव आ जाएंगे बिल्कुल मेलेनियन नहीं है एल्बाइनो हो जाओगे और अगर आधे आए तीन रिसेसिव तीन डोमिनेंट आए तो कलर बेटा जी बीच का हो जाएगा बीच का कलर इज कॉल्ड एज मुलाटो अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डोमिनेंट अलील है देखो यहाँ छह था तो बहुत डार्क कलर था पांच है तो ये भी डार्क है

कि भाई चाहे दो कैपिटल हो चाहे एक कैपिटल हो हमारा प्लांट तो दस सेंटीमीटर का ही होगा क्वालिटी हमें बस एक ही डोमिनेंट चाहिए वो दस सेंटीमीटर का बना देगा लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ कह रहा है कि अगर दो डोमिनेंट एलील है तो ज्यादा इम्पैक्ट एक डोमिनेंट एलील है तो कम इम्पैक्ट तीन डोमिनेंट एलील है तो और ज्यादा इम्पैक्ट यानी कि यहाँ एडिटिव नेचर है ये बात समझ आ गई यानी कि अगर मेंडल क्वालिटेटिव था तो ये किसको फॉलो करेगा

और बीच का हो जाएगा बीच का हो जाएगा तो उसके लिए मुलाटो बीच का होगा इससे दिस दिस इज इज कॉल्ड एज मुलाटो ठीक है इंटरमीडिएट स्किन कलर ये कैसा है इंटरमीडिएट स्किन कलर यहां पर हर टाइप ऑफ अलील डार्कनेस और लाइटनेस को कंट्रोल करता है छह डोमिनेंट है तो वेरी डार्क निग्रो पांच है तो वेरी डार्क नॉर्मल चार है तो फेयरली डार्क ऐसे टाइप का आपका ग्रेडियंट बन जाएगा यहाँ बेटा जी एक ग्रेडियंट बन जाता है जैसे लवली की काला और गोरा नहीं है रेंज है कम काला कम गोरा ज्यादा काला ज्यादा गोरा ऐसा करके आपको रेंज दिखाई देती है तो आपको यहाँ पर टोटल कितने वैरायटी के फिनोटाइप मिले एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन टाइप्स के फिनोटाइप मिले सबसे ज्यादा कौन से होते हैं आ, आपकी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा बेटा जी जो पॉपुलेशन में होते हैं ना वो होते हैं मुलाटो वाले सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट वाले इसीलिए इनका नंबर कितना मिला मुझे बीस बाकी तुम इधर जाते जाओ नंबर घट जाएगा इधर जाते जाओ नंबर घट जाएगा तो ट्वेंटी ऊपर गए पंद्रह सोलह एक नंबर घट गया नीचे आए पंद्रह सोलह एक नंबर घट गया जब इसको तुमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो भाई ये ट्वेंटी आया दिस वन इज गोइंग टू बी ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी और यहाँ पर फिफ्टीन फिर सिक्स फिर वन द कर्च इज इज कैसा आ रहा है bell -shaped curve आ रहा है याद रहेगा दूसरा बेटा कई बार बहुत पहले आता था फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ फॉर्मूलाज लिख दिए ताकि आपके नोट्स मिस ना हो फॉर्मूला बेटा अगर तुम्हें कभी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में फिनो का नंबर निकालना हो ना इट इज टू एन प्लस वन वेर एन इज नंबर ऑफ पॉलीजीन देखो यहाँ फिनो कितने आ रहे हैं सात सात आ रहे हैं ना टू एन प्लस वन टू इन टू थ्री लिखे देख लेना अगर मन करे तो याद करना फिनो टाइप तो तुम यहाँ से बना ही रहे हो साथ आ रही है ओके okay? ये चीज मैंने पहले भी नहीं बताई है तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा अभी के लिए लास्ट टाइम के लिए ऐड कर रहे हो अगला कॉन्सेप्ट पॉलीजेनिक के बिल्कुल उल्टा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई एक ही जीन है लेकिन कैरेक्टर अलग अलग है सी वन सी टू सी थ्री वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर तो अगर सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन कंट्रोल करेगा यानी कि पॉलीजेनिक के बिल्कुल ऑपोजिट वो कहलाता है प्लीओट्रोपी क्लासिक एग्जाम्पल वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया हम करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक जीन की गड़बड़ी से एक जीन की गड़बड़ी से मेंटल रिटार्डेशन भी हो रहा है बाल भी कम हो रहे हैं स्किन भी गहरी हो रही है तीन काम हो रहे हैं ना तीन कैरेक्टर आए तो ये क्या है प्लियोट्रॉपी और कोई एग्जांपल, ये मैं बाद में बताऊंगी और कोई एग्जांपल बेटा जी प्लियोट्रॉपी की बताओ क्या किसी को और एग्जांपल पता है प्लियोट्रॉपी की एक जीन में डिफेक्ट से मल्टीपल प्रॉब्लम्स एंड दैट इज दैट इज गोइंग टू बी कोई बता सकता है सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया में भी

इन्होंने बोला इन्होंने बेटा जी कुछ इंसेक्ट्स को स्टडी किया और इनकी हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो पचास परसेंट थे उसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखा पचास परसेंट खाली दिखे ने देखा पचास परसेंट में तो कुछ आया फिफ्टी परसेंट में तो कुछ आया ही नहीं ये जो फिफ्टी परसेंट में कुछ आया उनको नहीं पता था क्या है यार जैसे मैथ में नहीं बोलते जिसको नहीं पता होता तो कहते हैं लेट्स एक्स हमें इसकी वैल्यू नहीं पता एक्स मान लेते हैं हमें नहीं पता इसका एक्स मान लेते हैं तो इन्होंने एक्स मान लिया इसको तो इन्होंने बेटा जी नाम दे दिया एक्स बॉडी पता नहीं था कि एक्स क्या होता है मैथ के तरह दे दिया बॉडी बाद में पता चला कि भाई ये और कोई नहीं है एक्स क्रोमोजोमोजोम क्रोमोजोम। तो किसने ऑब्जर्व किया कियाटोजेनेसिस पचास परसेंट में कुछ आया पचास में नहीं आया जो आया उसको एक्स नाम दे दिया बाद में पता चला एक्स क्या है ये एक्स बॉडी अब एक्स पर बेटा जी कुछ मैं आपको स्पेशल कराना चाहती हूँ अबाउट द बार बॉडी लेट मी जस्ट एड इट ये कॉन्सेप्ट ऑफ बार बॉडी इस पे पीवाई क्यों है इसीलिए करा रही हूँ एनसीईआरटी में नहीं है देखो मेरी क्लास में तुम्हें सच में रियल कंटेंट मिलेगा यहाँ पर मैं बातें करने नहीं आती हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको खाना पूर्ति करके पूरा टॉपिक करने भी नहीं आती हूँ यहाँ पर अगर टॉपिक होगा तो एनसीआरटी तो कवर होगी होगी ई क्यू के अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो भी मैं कवर करूंगी राइट right? तो पीवाई क्यू बेटा जी बार बॉडी पे आ चुके हैं ये मैंने पहले डिटेल में नहीं कवर किया तो प्लीज इसको ध्यान से दे एंड इसको यहां पर समझ लें बहुत आसान है ठीक है नो no. मेरी क्लास में क्या ब्रेक नो no ब्रेक अब सीधे साढ़े सात बजे ब्रेक है ठीक है मेरे बच्चों चलिए हाँ स्टार सिंथेसिस वाला रह गया वो मैं करा देती हूँ अभी यस yes, मेरे बच्चों तो बार बॉडी क्या होती है जितने टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना माइनस वन दैट इज जी जैसे फीमेल में टोटल तो समझ लो मेल में कितने होते एक ही है भाई तो वन माइनस वन जीरो मेल के पास कोई बार बॉडी नहीं होती सुपर फीमेल कौन सी होती है एक्स 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 कितने एक्स है तीन तो थ्री माइनस वन टू सुपर फीमेल में कितनी बार बॉडी हो जाएंगी दो फ़िल्टर में कितने हैं दो तो माइनस वन, वन बार बॉडी टर्नर में में कितने हैं एक, एक में से देर इ पी मैंने आपको बार बॉडी कैलकुलेट करना सिखाया है पीवाई क्यू आप देखेंगे आज मैं डीपीपी में पीवाई क्यू भी डाल दूंगी आप देखेंगे उसमें बेटा जी आपको बार बॉडी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आप डाउन सिंड्रोम है किसी को डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम में कितनी बार बॉडी होंगी डाउन बेटा जी ऑटोसोम्स का प्रॉब्लम है यार ऑटोसोम्स का प्रॉब्लम है अगर लड़के को है लड़के को है तो कितनी हो जाएंगी जीरो लड़की को है तो वन उसमें का को कोई रोल नहीं है क्लाइंट फिल्टर और टर्नर में एक्स वाई का रोल है तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिखा है ठीक है हम पर लिखा है क्लियर हो गया बार बॉडी वाला कॉन्सेप्ट गलती तो नहीं करोगे चलो आ जाओ सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आसान तीन तरीके की सेक्स डिटर्मिनेशन है मैं निकल कर लाई मेल मेल फीमेल देखने को मिलती है याद रखना है मैं हमेशा पहले फीमेल लिखती हूँ मैं हमेशा पहले मेरे बच्चों फीमेल 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 लिखती हुँ. तो फीमेल, मेल फीमेल, मेल चलो ह्यूमन में फीमेल इज डिनोटेड बाय एक्स एक्स मेल इज डिनोटेड बाय वाई मेल में बेटा जी अलग तरीके दो तरीके के ग्रामिट बन सकते हैं एक बनेगा ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक बनेगा एक ऑटोसोम्स प्लस, प्लस वाई यानी कि मेल हेट्रोगमिटी सीन इन केस ऑफ ह्यूमन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और बेटा जी

पहले फीमेल लिखा है फिर मेल लिखा है एंड पहले फीमेल लिखा है फिर मेल लिखा है मैं ऐसे ही लिखती हूँ जेड डब्ल्यू जेड जेड तो फीमेल में दो तरीके के अंडे बन रहे हैं एक जेड वाला और एक डब्ल्यू केस ऑफ बर्ड्स इधर देखिए फीमेल में दो तरीके के एग्स बन रहे हैं एक ए प्लस जेड एक ए प्लस जीरो सीन इन केस ऑफ बटरफ्लाई एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट देखना की किसमें मेल हेट्रोकोमिटी है किसमें फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा याद करिए में देखने में मिलता है मधुमक्खी आ जाओ मधुमक्खी तो मधुमक्खी के परिवार बड़ा तरंगी है। उसके परिवार में एक लड़का और दो लड़कियां होते हैं ठीक है एक लड़का और दो लड़कियां होते हैं जो लड़का है वो है ड्रोन जो लड़की है या तो रानी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है वर्कर हो सकती है अच्छा एक बात बताओ क्या आपने एनरोल कर लिया है उसमें हैव यू एनरोल्ड इन दैट साढ़े सात बजे का टेस्ट मैं पिन करा रही हूँ साढ़े सात बजे का टेस्ट प्लीज उस टेस्ट को जाके जरूर देख लेना यहाँ ध्यान दो यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग चल रहे हैं मधुमक्खी पे अनिबी पे हनी बी की अगर तो टू क्या है थर्टी टू ठीक है जी तो ये मेरा मेल है ये मेरा फीमेल है ठीक है फीमेल के पास अगर थर्टी टू है तो इसके एग कैसे बनेंगे एग बनेंगे बेटा जी सिक्सटीन वाले सिक्सटीन वाले ठीक है जी अब ये जो सिक्सटीन वाले एग्स हैं या तो क्या हो सकता है या तो क्या हो सकता है इसको मेल के स्पर्म्स मिल जाएंगे मेल के स्पर्म्स भी कितने हैं वाले हैं। अगर तो बेटा जी इसको मेल के स्पॉम्स मिल गए तो लड़की हो जाएगी इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल चाइल्ड क्या हो जाएगा फीमेल चाइल्ड यहां पर हो जाएगा ये फीमेल चाइल्ड को अगर तो रॉयल जेली मिली रॉयल जेली मिली तो ये क्वीन बन जाएगी यानी कि एन इक्वल टू थर्टी टू अगर रॉयल जेली नहीं मिली तो ये बेचारी क्या बन जाएगी वर्कर बन जाएगी यानी कि फीमेल चाइल्ड तो अपना पूरा नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से ही होता है लेकिन अगर मैं बात करूं मेल की मेल चाइल्ड कैसे बना मेल चाइल्ड कैसे बना ये जो फीमेल का एक अंडा है ना बेटा दिस एग डायरेक्टली गिव बर्थ टू द मेल चाइल्ड वाया पार्थिनोजेनेसिस इसको स्पर्म्स की जरूरत नहीं है बिना स्पर्म्स के ही बिना पापा के लड़का हो जा रहा है यानी कि इस लड़के के को कोई पापा नहीं है समझ रहे हो यहाँ पे फीमेल के एग ने पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा मेल बना लिया इस मेल का नाम है ड्रोन क्या नाम है ड्रोन राइट मेरे बच्चों क्लियर हो गया तो मेल का जो लेवल होगा दैट इज गोइंग टू बी एन इक्वल टू सिक्सटीन क्योंकि भाई डायरेक्ट अंडे से बना लिया मैंने मुझे स्पर्म लगे ही नहीं मैंने पार्थिनो जेनेसिस करी और डायरेक्ट बना लिया ड्रोन बना लिया तो भाई क्या इस ड्रोन के कोई पापा है नहीं इस ड्रोन के कोई भी पापा नहीं है इट डज नॉट हैव एनी फादर क्या इस ड्रोन का कोई बेटा हो सकता है बताओ क्या इस ड्रोन का को कोई बेटा हो सकता है सोच के बताओ क्या इस लड़के का ये जो ड्रोन है एन इक्वल टू सिक्सटीन इसका कोई बेटा हो सकता है पापा तो नहीं है भाई इसके ये मम्मी से बना है ये पूरा मम्मी से बना है क्या इसका कोई बेटा हो सकता है बेटा कैसे बेटा कैसे होगा बनाने के लिए सिर्फ फीमेल का एक लगता है, मेल का लगता लगता है है मेल ही नहीं ना इसका कोई पापा है ना इसका कोई बेटा है इसका क्या हो सकता है नाना हो सकता है और इसका नाती हो सकता है इसका नाना तो हो सकता है ना क्योंकि बेटा इसकी मम्मी ये है ये मम्मी तो मेल से बनी होगी मम्मी के पास तो कोई पापा होगा यानी कि इसका नाना है इट हैज द नाना एज वेल एज इट हैज द नाती बट इट फादर एंड सन नाना हो सकता है ग्रैंड फादर दादा वाले नहीं है नाना वाले नाना हो सकता है क्योंकि मम्मी, मम्मी तो होंगे तो नाना हुए ना। दादा नहीं हो सकते। दादा नहीं है कोई नाना और नाती है इसके तो लाइन लिखी हुई है एनसीआर टी में बड़ी ब्यूटीफुल लाइन है दैट ड्रोन का कोई फादर नहीं होता कोई बेटा नहीं होता लेकिन उनके नाना और नाती होते हैं दिस इज है नेक्स्ट टॉपिक बस हमारे पास दो बचे हैं दैट इज म्यूटेशन एज़ वेल एज़ पेडिग्री एंड डिसऑर्डर्स रेडी मेरे बच्चों तो म्यूटेशन कितने तरीके की होती हैं लेट मी शो यू म्यूटेशन तीन तरीके की होती हैं कितने तरीके की होती है मेरे बच्चों तीन तरीके की म्यूटेशन होती है वैसे एनसीईआरटी में इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ बट मैं फिर भी बताना चाहूंगी क्योंकि पीवाईक्यू है इस पे

समझ गए तो पहली आ गई मेरी जीनोमैटिक जीनोमैटिक में मैंने दो सेक्शंस बना लिए दैट इज एन्यूप्लोइडी जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह और यूप्लोइडी यूप्लोइडी ठीक है सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज क्रोमोसोमल एबरेशन ये कहती है कि भाई क्रोमोसोम का नंबर 46 ही है जितना तुम रखना चाहते हो नॉर्मल ही है लेकिन उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई जीन का नंबर कुछ डिलीट हो गया कुछ ऐड हो गया है ना

अब एक पी क्यू के तहत करा रही हूँ एनसीआर में इतना नहीं दिया हुआ बट फिर भी एक बार एक बार देख लोगे एक बार देख लोगे तो तुम्हें सारे नाम याद हो जाएंगे पहला केस एन का मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ क्रोमोजोम हाइपर कर लेते हैं मान लो नॉर्मल किसी में ये सिचुएशन है टू एंड एक वन की दो कॉपी टू की दो कॉपी थ्री की दो कॉपी फोर की दो कॉपी अगर किसी भी क्रोमोजोम की एक और कॉपी एड हुई तो वो केस क्या कहलाएगा ट्राई ठीक है

में वही आया तो पेडिग्री अपने क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहली बात है आर वी पेडिग्री पेडिग्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इनहेरिटेंस देख पाए किसी भी आ, डिजीज का कई बार फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसकी फी, उसकी फैमिली में कोई डिजीज रन कर रही है वो डॉक्टर से जाके पूछते हैं कहीं मेरे बच्चे को तो ये बीमारी नहीं हो जाएगी फ्यूचर में तो हम पूरा पेडिग्री का चार्ट बनाते हैं ठीक है जी पेडिग्री का पूरा चार्ट बनाते हैं तो पहला सवाल जो आपको आ सकता है वो इनमें से आ सकता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है दैट इज ऑन दिस वन सिंबल्स पे सवाल आता है मेल को दर्शाने के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल अनस्पेसिफाइड रोम्बस हमें नहीं पता कौन था अफेक्टेड में बीच में कलर भर देना है शादी करानी है मीटिंग करानी है तो एक डंडी रिश्तेदारी में शादी करानी है मान लो चाचा आ, मामा बुआ के लड़के लड़की से शादी हो गई क्लोज रिलेशन में शादी हो गई उस शादी को बोलते हैं कंसैंग मैरिज वेरी इंपॉर्टेंट कंसैंग ठीक है बच्चे दिखाने हैं तो ऐसे दिखाएंगे अगर बच्चा अफेक्टेड है तो ऐसे दिखाएंगे पांच बच्चे हैं लेकिन अनअफेक्टेड अफेक्टेड है तो इस तरीके से अपन लोग दिखाएंगे पेडिग्री में आपको बस एक चार्ट याद करना है मैं बताने वाली हूँ आपको मैंने आपके लिए नोट किया है ये देखिए लुक एट दिस अगर आपने पूरा चार्ट याद कर लिया आप पेडिग्री का सवाल गलत नहीं करके आ सकते मैंने सारा इकट्ठा कंसाइज कर दिया सब आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे मैं इसको सुपर नोट्स के साथ अटैच करके दूंगी क्योंकि ये बातें आपकी एनसीआरटी में नहीं है हाँ जी तीन तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है या तो ऑटोसोम एक्स वाई ठीक है जी ये जो ऑटोसोम लिंक है या तो बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी होगी या रिसेसिव हो सेम रिसेसिव सेम वे एक्स एक्स ऑटोसोम और या फिर वाई वाइलिंग जो ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है उसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल कौन सा होगा तुम बताते जाओ हियर द अफेक्टेड वन विल बी कैपिटल ए कैपिटल ए वाला है ना ऑटोसोमल डोमिनेंट में यहाँ लिख देती हूँ मैं रुकिए यहाँ पर बीमारी किसको होगी इस केस में बता दो कैपिटल ए कैपिटल ए को होगी और कैपिटल स्मॉल ए को भी हो जाएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट यहाँ बीमारी किसको होगी अफेक्टेड वाला कौन होगा स्मॉल ए ए स्मॉल बाकी और किसी को नहीं होगी क्लियर है चलिए एक्स लिंक भी डोमिनेंट हो सकता है रिसेसिव हो सकता है एक्स लिंक डोमिनेंट बीमारी किसको होगी या तो हेट्रोजाइगस या होमोसाइगस डोमिनेंट को होगी दैट इज एक्स कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी और बेटा जी रिसेसिव बीमारी किस को होगी एक्स है तो लड़के को तो दोनों केस में हो सकती है अब जो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है रूल याद कर लो जनरली जनरेशन स्किप नहीं करते रिसेसिव वाले जनरेशन स्किप करते हैं जेनरल मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा देन आते हैं बेटा जी एक्स डोमिनेंट एक्स डोमेंट रिसेसिव सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वो एक्स रिसेसिव में से आते हैं बात करेंगे इनके बारे में एक्स एक्सलिंग डोमिनेंट कहता है कि भाई ये बीमारी लड़कियों को ज्यादा होती है बीमारी लड़कियों को ज्यादा होती है क्यों क्योंकि इस बीमारी को होने के लिए बस एक एक्स तुम कैपिटल वाला ले आओ सिर्फ वन एक्स तुम कैपिटल सी वाला ले आओ है ना जी उससे चांसेस है गर्ल्स आर मोर अफेक्टेड ये देखो एक सी तुम ले आए उससे बेटा जी अफेक्टेड आ जाएगा ठीक है मेरे बच्चों तो ऑल डॉटर्स ऑफ द दा अफेक्टेड डैड विल बी अफेक्टेड ये मेरे अफेक्टेड डैड है इनकी सारी डॉटर अफेक्टेड ही होंगी मम्मी से चाहे कुछ भी आ रहा हो सारी की सारी बेटियां क्या होंगी अफेक्टेड होंगी ये बीमारी कभी क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करती है दादी से बेटे में बेटे से बेटी में या दादा से आपकी नाना से बेटी में बेटे मम्मी से बेटे में That is called as criss -cross inheritance. Recessive है तो जनरेशन भी स्किप करती है यहां पर जो है वो मेल ज्यादा अफेक्टेड होंगे मेल ज्यादा अफेक्टेड इसीलिए क्योंकि मेल को अफेक्ट करने के लिए सिंपल एक स्मॉल सी वाला एक्स काफी है उससे मेल अफेक्टेड हो जाएगा फीमेल को अफेक्ट करने के लिए एक्स स्मॉल सी दो चाहिए दो चाहिए तब जाके फीमेल अफेक्ट होगी मेल्स आर मोर अफेक्टेड इसका नंबर भी दिया हुआ है टी में बाकी वाइलिंग बेटा मेल टू मेल होता है और एंडीज डिजीजेस इनको बोलते हैं ये पापा से लड़के में ही जाएंगी ठीक है मेरे बच्चों तो ये पेडिग्री एनालिसिस के आपके कुछ रूल्स थे दो पेडिग्री एनालिसिस आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है जिस पे ट्वेंटी वन या टू में सवाल आया था पेडिग्री पहचानने में नहीं आया था इसके डिस्क्रिप्शन में से आ गया था तो पहली जो पेडिग्री दी हुई है देखिए जनरेशन वन टू थ्री तीनों में ये भी अफेक्टेड है ये भी अफेक्टेड है ये हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है यानी कि डोमिनेंट बीमारी है कोई मुझे क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं दिख रहा मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड दिख रहे हैं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है इधर आ जाइए जनरेशन वन में कोई भी बीमार नहीं है टू में है और थ्री में है और बेटा जी जनरेशन ऑटोसोमल क्वेश्चन आया था यहाँ से दिस इज दीवाई क्यू ये दिस मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कैसे बीमारी है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी बेटा जी दी हुई है ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है यहाँ से क्वेश्चन आया था मायोटोनिक डिस्ट्रोफी आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो क्लियर है मेरे बच्चों याद रहेगा इधर देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव का भी एग्जाम्पल दे रखा है हो सकता है इस साल ये आ जाए इनमें से कौन सा इट कुड बी फ्यूचर पी वाई क्यों हो सकता है इसको फ्यूचर लिख देते हैं फ्यूचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है सिकल सेल एनीमिया कैसी बीमारी है ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है फ्यूचर हो सकता है ठीक है मेरे बच्चों तो विद विद दिस वी आर डन द पेडिग्री

एंड क्लियर uh, है तो फटाफट से सेशन को क्या कर दीजिए लाइक कर दीजिए सेशन को लाइक कर दो क्योंकि अगले पंद्रह मिनट में टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और इसमें से भी एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा भाई वन क्वेश्चन इज हंड्रेड परसेंट ठीक है चलो जेनेटिक डिसऑर्डर तो जेनेटिक डिसऑर्डर में बेटा जी पेडिकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया हाँ जी कितने तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं देखिए सिंपल सा फीचर है यहाँ पर मैंने पूरा डिपेक्ट किया हुआ है डीएनए डीएनए में आपके जीन है हर कैरेक्टर हमारा जीन कंट्रोल करता है जीन्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं कई बार क्या होती है जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है म्यूटेशन होने की वजह से हमें बीमारी हो जाती है जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है टेक्निकली मेरे पास दो तरीके के जेनेटिक डिस मुझे करने हैं और उस टेबल में से आपको सवाल आएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको गांठ बांध लीजिए स्टार बना लीजिए ये मैं सुपर नोट्स के साथ ऐड करूंगी इस टेबल में से एक क्वेश्चन आ सकता है डिसऑर्डर दो तरीके के हो सकते हैं मेंडेलियन मेंडेलियन। मेंडेलियन मेंडेलियन या नॉन नॉन यानी कि डिसऑर्डर जीन मुटेशन. जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या बताई थी? न्यूक्लियोटाइड चेंज। उसकी वजह से होते हैं। ऑटोसोमल भी हो सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकते हैं एक्साम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है

लेकिन अगर अगर इस कोडिंग वाले सेगमेंट पे टी की जगह ए ए ए आ जाए टी ए, टी इज इज रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड बाय बाय तो गैग की जगह गुग आ जाएगा गैग की जगह गुग आ जाएगा ठीक है जी टी इज रिप्लेस्ड बाय ए रिप्लेसन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन ट्रांसवर्जन ठीक है तो ग्लूटामिक एसिड की जगह सिक्स पोजिशन पे वैलिन बीटा चेन के सिक्स पोजिशन पे अगर वैलिन आएगा तो एच पी ए नहीं एच पी एस बनेगा एच बी में सिक्कल शेप आरबीसी बन जाते हैं तो तीन केस हो सकते हैं या तो एच बी एच बी ए नॉर्मल एच बी एच बी एस कैरियर ठीक है HB, कैरियर में बीमारी नहीं होती बट दे आर दे आर बेटरिया टू मलेरिया इसमें आधे आर बाइकॉन के होंगे आधे सिक्कल शेप होंगे और एच बी एस एच बी एस बेटर लीथल मर जाएगा आदमी क्योंकि तो सारे आरबीसी आपके सिकल शेप हो जाएंगे इससे विल डाई

और इधर क्या चेंज है ग्लूटामिक एसिड एट ग्लूटामिक्स पोजिशन टू वैलिन एट सिक्स पोजिशन ऐसे याद कर लो ठीक ये हमारे नॉर्मल बाइक आरबीसी और ये मेरे सिकल शेप आरबीसी क्लियर हो गया यस yes. जी तो ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया ये देखो किस तरीके से प्रॉब्लम आती है बंदा सोचता है मैम आरबीसी तो है ही ना सिकल शेप है तो क्या दिक्कत है दिक्कत बेटा ये है नॉर्मल आरबीसी आराम से क्रॉस कर जाते हैं देखो क्रॉस कर रहे हैं लेकिन अगर मेरे सिक्कल शेप आरबीसी है ऐसे तो ये क्रॉस नहीं कर पा रहे झुंड बना ले रहे हैं ब्लॉक कर दे रहे हैं देख रहे हो ये इन्होंने मेरा ब्लड के फ्लो को क्या कर दिया ब्लॉक कर। प्रॉब्लम। अगर ये गोल गोल हो जाते तो निकल जाते हैं लेकिन इन्होंने यहां पर क्या कर दी ब्लॉकेज इज दॉब्लम विच मेंच बी एस एच बी एस है ठीक है मेरे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं है? सिकल हो गया, और कलर ब्लाइंड

होता क्या है अल्फा चेन सिंस गायब है तो बीटा वाली प्रेसिपिटेट होके बीमारी करेगी यहाँ पर बीटा चेन गायब है, तो अल्फा वाली प्रेसिपिटेट ठीक है? का नाम याद रख लेना मतलब है प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर पूरी की पूरी चेन ही गायब है चेन खराब नहीं हुई है देखो सिकल सेल एनीमिया में अपने ने चेन खराब कर दी थी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया क्वालिटी बदल गई बीटा चेन है लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम हुई क्वालिटी बदल गई क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ये ठीक है में क्या हुआ चेन में क्वांटिटी नहीं है अल्फा कम है या फिर बीटा क्या है कम है अल्फा कम है, अल्फा कम है या बीटा कम है शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सवाल आएगा कौन क्वालिटी वाला है कौन क्वांटिटी वाला है क्वांटिटी पे कौन खेलता है थैलेसीमिया क्वालिटी पे कौन खेलता है सिकल सेल एनीमिया गॉट इट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर इज हेमोफीलिया हेमोफीलिया का हेमोफीलिया भी बेटा जी एक्स एक्स लिंक डिसऑर्डर है सेक्स लिंक है थोड़ा सा मैं इसको पहले यहाँ से करा देती हूँ हाँ जी <coughs> जितने भी सेक्स रिलेटेड है ऑटोसोमल कर लिए जितने भी सेक्स रिलेटेड है ना बेटा कहाँ गया जितने भी सेक्स रिलेटेड है एक्स एक्सलिंक की अगर मैं बात करू क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करेंगे नानी से बेटे में एंड उसके बाद बेटी में देन मेल से डॉटर में डॉटर से ग्रैंड सन में आएंगे दूसरा बेटा सेक्स रिलेटेड डिजॉर्डर जो है उसमें मेल्स एक्स एक्सलिंक रिसेसिव में मेल्स का जो दर है अफेक्टेड होने का वो ज्यादा है क्योंकि मेल्स में अफेक्टेड होने के लिए एक ही रिसेसिव वाला चाहिए और फीमेल में अफेक्टेड होने के लिए मेरे को दो चाहिए

दोनों स्मॉल होंगे तो अफेक्टेड एक कैपिटल एक स्मॉल तो ये कैरियर कहलाएगा क्या कहलाएगा कैरियर क्या कहलाएगा क्या अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्वेश्चन रेडी फॉर अ क्वेश्चन आपको मैं बोल रही हूं कलर ब्लाइंडनेस में फटाफट सब बच्चे सॉल्व करो कलर ब्लाइंडनेस में हाँ जी आपको क्या करना है फीमेल कैरियर है बताओ

कल परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड सन एंड अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग दोनों लिखो ना कॉमा लगा के आंसर दो कॉमा लगा के आंसर दो मैं बोल रही हूँ फीमेल कैरियर दो आंसर आएंगे कॉमा लगा के दो देखो राइट इधर भी सेम और डिफरेंट अलग-अलग भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं बताओ परसेंटेज ऑफ सन एंड परसेंटेज ऑफ तो मैं आपको करके दिखाती हूँ आंसर फीमेल कैरियर होने का मतलब है ये सिचुएशन है एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल होने का मतलब है एक्स कैपिटल सी एंड वाई क्रॉस कर दो एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी इसको इससे कर दो एक्स कैपिटल सी वाई इसको इससे कर दो एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी एंड इसको इससे कर दो एक्स स्मॉल सी एंड वाई ये जो मेरा पहला है ये डॉटर है फीमेल है और कैसी है नॉर्मल नॉर्मल फीमेल है देखते जाना मैं सही बना रही हूं मेल जो है ये नॉर्मल है कैपिटल वाला है ना ये मेरी कैरियर फीमेल है फीमेल है लेकिन कैरियर है और ये मेरा सन है लेकिन अफेक्टेड है लेकिन अफेक्टेड है ठीक है जी यही है ये सिचुएशन है नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल कैरियर मेल अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड मेल राइट right, मेरे बच्चों तो आपसे क्या पूछा परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड सन अब अगर तुमसे सन की बात हो रही है ना बेटा तो सिर्फ सन ही देखोगे लड़के कितने हुए लड़के एक तो ये हुआ और एक ये हुआ दो में से अफेक्टेड सन कितना है एक एक नॉर्मल है एक अफेक्टेड है यानी कि आंसर ऑफ ए पार्ट इज गोइंग टू बी 50% 25 नहीं आएगा क्योंकि अगर सन पूछा है तो सिर्फ सम देख सन टोटल दो हैं तो दो में से एक अफेक्टेड है अगर डॉटर पूछ लेते

डॉक्टर पूछने तो सिर्फ वही दौ, दो डॉक्टर ही देखनी है और अगर बेटा जी सबका पूछ लेंगे ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग प्रोजनी नाम लिख दिया तो चारों में से आंसर है तो आंसर इज 50% एंड 25% गॉट इट यस ट्वेंटी सवाल आपको कई बार परेशान करता है इसीलिए मैंने इसको यहां पर स्पेशली दिखाया है हेमोफिलिया ये भी रिसेसिव है रॉयल डिजीज है क्वीन विक्टोरिया की रॉयल फैमिली में हुई थी ब्लीडर डिजीज इसमें क्या होता है छोटा सा कट लगता है और खून जो है वो धड़ाधड़ बहने लगता है दो तरीके का हीमोफीलिया है टाइप ए टाइप बी वाले में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एट इज इज याब्सेंट ये मैं आपको दिखा देती हूँ यह रहा हेमोफिलिया रियक्शन ब्लड क्लॉटिंग इज रिएक्शन ब्लड क्लॉट हो ही नहीं रहा एक ही कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो ही जा रही है नॉर्मली क्या केस होता है कि जब अपने कट लगता है तो क्लॉट बन जाता है हेल्दी इंडिविजुअल में इसमें क्या हो रहा है हैमरेज हो रहा है कट लग रहा है लेकिन अनएबिलिटी टू फॉर्म क्लॉट और वो हो जाता है हेमोफिलिया ठीक है

लेकिन डॉटर के लिए एक्सट्रीमली रेयर लिखा हुआ क्यों ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बेटा अगर डॉटर को मुझे अफेक्टेड ऐसा होना चाहिए और ऐसे पापा डज नॉट यूजुअली एग्जिस्ट है ये रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते इसीलिए बेटा जी ये चीज एक्सट्रीमली रेयर है ऐसा ही कलर ब्लाइंडनेस में भी है ठीक है जी यस ये तभी हो सकता है अगर मदर मिनिमम कैरियर है और बेटा फादर हेमोफिलिक है क्वीन विक्टोरिया की जब पेडिग्री देखी तो वो कैरियर निकली थी इसकी ओके okay, मेरे बच्चों क्लियर हो गया है थर्ड वाले में तो अफेक्टेड होना चाहिए कौन सा वाला कैरियर है बेटा इसमें कहां से अफेक्टेड हो जाएगा हमने इसको जोड़ा है इससे दिस इज कैरियर जब एक डोमिनेंट एक स्मॉल होता है दिस इज द कैपिटल सी दिस इज द स्मॉल सी कैरियर होगा कैरियर वाले को बीमारी नहीं होती है कैरियर वाला सिर्फ जीन को कैरी करता है इट इज अफेक्टेड, रिमेंबर कैरियर इज नेटेड इट जस्ट कैरीजी क्लियर तो ये भी हो गया थैलेमिया भी हो गया लास्ट हमारा बचता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हाँ कैपिटल है गाइज दिस इज कैपिटल तुम लोग इसको समझ नहीं रहे हो मैं दोबारा कर देती हूँ ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है

ठीक है जी चलिए आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि 2023 के पेपर में दो सेवेंथ तेईस वाले पेपर में Downs पे क्वेश्चन आया था तो डाउन सिंड्रोम इज बेसिकली डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन ये लाइन थी जिसने पिछले साल का पेपर दिया उसको पता है है ना इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन इट्स जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें क्रोमोजम नंबर वन की गलती से तीन कॉपीज आ जाती है अब ये गलती क्या होती है इज इट और नॉन बताओ क्या बोलोगे इस गलती को क्या बोलोगे इस गलती को क्या ये है कैसे होता है ये गलती क्या कोई बता सकता है कि ये गलती होता कैसे है गलती मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे होता है लेट मी शो यू नॉर्मली क्या होना चाहिए था हर गैमीट में एक पेयर का एक सेट जाना चाहिए One, one में से वन जाना चाहिए टू टू डैश में से टू थ्री थ्री डैश में से थ्री थ्री फोर फोर डैश में से फोर दैट इज डिस्टंक्शन लेकिन अगर गलती से ये दोनों चार के चार एक में चले गए ऊपर कुछ गया ही नहीं अगर ये होता है इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही एक गैमिट में ज्यादा हो जाता है एक गैमिट में गया ही नहीं तो ये जब मेल से जुड़ेगा तो मोनोसोमी ये जब मेल से जुड़ेगा तो राइसोमी ठीक है जी So that is Down okay, चलो, Down में क्या क्या प्रॉब्लम आती है एनसीआरटी में क्या प्रॉब्लम होती है में सबसे पहले, Mentally, बेटा बच्चा थोड़ा वीक रहता है और साइकोमोटर उसकी जो स्किल्स है वो नहीं बनती है छोटी हाइट होगी स्मॉल राउंड हेडेड है, होगा फरो टंग बेटा फरो की तरह होगी मुंह खुला रहता है जनरली उनका क्रीज होगी ये मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहती हूँ ये देखिए ये फोटो जरूर याद रखिए हेड टू टो याद रखना है पीछे से फ्लैट पेड फिंगर्स पे बहुत सारे लूप्स एक सिंगल सीमियन पाम क्रीज बिग एंड रिंकल टंग एंड टिटल हार्ट डिजीज भी हो सकती है ये बच्चे जनरली भूल जाते हैं कंजेनेटल हार्ट डिजीज ये भी याद रखना दिल में भी प्रॉब्लम आ जाती है दीज आर दिम्टम्स और यहाँ केरो देखो इसका हर क्रोमोजोम की दो दो कॉपीज है लेकिन ट्वेंटी की तीन कॉपीज है ठीक, तो दिस इज़ सिंड्रोम अब चलते हैं एलोसोम क्या हो रहा तो है टर्नर लड़की को होता है कैसे याद करेंगे भाई क्लाइन फिल्टर बड़ा नाम है बड़ा नाम लड़के रखते हैं छोटा नाम सीप लड़कियां रखती है ऐसे याद कर लेना तो क्लाइन फिल्टर लड़के को होता है टर्नर लड़की को होता है दूसरी चीज क्लाइन फेल्टर में जो लड़का है एक्स वाई होना चाहिए लेकिन उसके पास एडिशनल एक्स आ जाता है तो क्या हो जाती है यहाँ पर ट्राइसोमी हो रही है सेक्स क्रोमोजोम की, ट्राइसोमी सेक्स की की ट्राइसोमी उधर हो रहा है भाई लड़की होनी चाहिए थी सॉरी एक लेकिन यहां पर एक एक्स गायब है लड़की होनी चाहिए थी एक्स एक्स लेकिन एक एक्स गायब है तो हम इसको लिख देते हैं एक्स जीरो ठीक है मेरे बच्चों तो ये मेरा क्लाइन फिल्टर है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम बन जाएंगे फोर्टी सेवन एक्स एक्स वाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो आम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाई तो भी फोर्टी सेवन ही हो जाएंगे इसको भी ऐसे लिख सकते हो फोर्टी फोर प्लस एक्स जीरो भी लिख सकते हैं यहाँ पर एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है तो फोर्टी सेवन टोटल हो जाएंगे एक्स एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर जो लड़का है उसमें थोड़ा सा लड़की का कैरेक्टर आ जाएगा है ना क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स ex आ गया है एक बार बॉडी आ गई है राइट एक लड़की का कैरेक्टर आ जाएगा फेमिनिन डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी स्टेल होगा ये भी कैसा होगा स्टेराइल टर्नर में देखोगे तो जो लड़की है उसमें एक एक्स गाय भी हो गया अब इसकी कोई बार बॉडी बची नहीं है देख रहे हो यहाँ जीरो बार बॉडी है नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी होती है यहाँ कोई बार बॉडी नहीं है नो बार बॉडी स्टराइल तो ये भी होगी रूडिमेंट्री ओवरीज होगी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं आएंगे

करा दूं बहुत बढ़िया एक बच्चा है जो पूरा चेक कर रहा है चेक कर रहा है मैं बहुत खुश हूं उसके लिए एब्सोल्युटली राइट right, बहुत बढ़िया लगा मुझे देख के कि वो बच्चा सच में नोट कर रहा है सच में नोट कर रहा है लेट मी जस्ट चेक कहाँ पर लिखा था कौन सा पेज नंबर था लेट मी लेट मी जस्ट चेक पेज नंबर कौन सा है मेरा मैं वो पेज नंबर ढूंढ रही हूँ ये हमने डालना है प्लियो में तो मैं इसको प्लियो में डालती हूँ लास्ट पेटा करा देती हूँ देखो मैम कुछ छोड़ती नहीं है कि चांस मेरा मिस हैं तो प्लियोट्रॉपी प्लियो प्लियो तो प्लियो मैंने आपको बताया था कई बार एक जीन होता है जिसके एक से ज्यादा इम्पैक्ट है तो यहाँ पर मेरे पास बी जीन है इसके अंदर प्रस्तुत है पाइसम में ये बी जीन दो चीजें कंट्रोल करता है एक तो भाई तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या तो कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल बी कैपिटल बी या कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी या स्मॉल बी स्मॉल बी अगर कैपिटल बी कैपिटल बी आया तो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन हो जाएगा लार्ज सीड शेप हो जाएगी राउंड अगर कैपिटल बी स्मॉल बी आया तो बीच का साइज बनेगा इंटरमीडिएट साइज इंटरमीडिएट साइज आ जाएगा ग्रेन का और ये शेप तो अभी भी राउंड होगी स्मॉल बी स्मॉल भी आया तो स्मॉल स्टार्च ग्रेन आएगा एंड यहाँ पर आएगा रिंकल्ड यहाँ पर आ जाएगा रिंकल्ड तो तुम जरा ध्यान दो pleiotropy तो ये शो कर रहा है क्योंकि एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स आ गए लेकिन जो ये वाला इफेक्ट है ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जिसमें लार्ज स्मॉल और इंटरमीडिएट भी बन रहा है यानी कि दिस इफेक्ट इज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस ठीक है ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में

इस सेंस में देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला आ रहा है इस सेंस में कैसा आ रहा है कम्प्लीट डोमिनेंस वाला आ रहा है डोमिनेंस डिपेंड करता है कि हम कौन सी फिनोटाइप चूज करना चाहते हैं मैंने अगर ग्रेन का फिनोटाइप देखा तो इनकम्प्लीट आया मैंने अगर सीड शेप का देखा तो डोमिनेंस डोमिनेंस आया तो किसी जीन की मोहताज नहीं है इट इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ जीन इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फिनोटाइप दैट वी स्टडी जो मैं फिनोटाइप पढ़ना चाहती हूँ उस पर डिपेंड करेगा डॉमिनेंस क्या डोमिनेंस किसी जीन की मोहताज है नो no.

विद नाउ वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर अब एक रिक्वेस्ट में जरूर करूंगी कल की क्लास में जरूर आना है इसी तरीके से एम बी आई कवर करने वाले हैं मॉलिकुलर बेसिस कवर करने वाले हैं मजा आ जाने वाला है दस क्वेश्चन बनेंगे से। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर भी आई आऊंगी जैसे मैंने आज आज लेकर आई हूँ साथ ही बेटा जो होमवर्क दिया है क्वेश्चन वो जरूर करना जीन मैपिंग वाला एल्फ्रेड एम्ट वाला साथ ही में साढ़े सात बजे मतलब आधे घंटे बाद हम लोग फिर मिलने वाले हैं एक

तरीके से जिससे आपका पढ़ने का मन भी करे उनको देने की बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ तो प्लीज लिख कर जाइएगा एंड uh, मिलते हैं कल एंड कल इस बड़े से यूनिट को खत्म करते हैं सब बच्चे कल की क्लास में अटेंडेंस लगाएं और एक कमेंट जरूर करके जाएं और मुझे साढ़े सात को मिले ओके okay जी ये लिख के जाएंगे हैश टैग डे वन विद मैम क्या लिख के जाएंगे ये सब बच्चे कमेंट करेंगे मत लिखो डे वन कंप्लीटेड विथ सीप मैम ठीक है ओके okay जी क्लियर मेरे बच्चों डीपी भी मैं अभी टेलीग्राम पे भेजूंगी ठीक मेरे बच्चों चलिए बाय बाय गाइस टेक केयर एंड कमेंट जरूर करना बाय